हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सोरा रैना इस वीडियो में हम बात करेंगे वन शॉट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे साथ में हम इंटेक्स क्वेश्चन एंड एग्जांपल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सबसे पहले सम फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ फैमिलीज होती हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप में ना कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है और इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है इन फैमिलीज का जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करेंगे इसे हम आर सी एच ओ कहते हैं इसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं कीटोन क्या होता है आर एल्काइल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश तो ये कीटोन है कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है इसे हम ना आर सी ओ एच पी कहते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें सबसे पहले है एसिड हेलाइड और एसाइल हेलाइट ये है डबल बॉन्ड ओ एक्स एक्स क्या होता है Halogen होता है इसे हम एसिड हेलाइड और एसाइल हेलाइट भी कहते हैं सपोज हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर आपने उनको कंबाइन करके ना वाटर रिलीज किया तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है तो ये होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर तो ये एसिड एनहाइड्राइड होता है ये भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की बात करेंगे इसमें एस्टर आता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ठीक है अगर हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें दे आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम प्लांट और एनिमल किंगडम में ये जो तो तीनों कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ तो लाइफ में डिफरेंट प्रोसेसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उन प्रोसेसेस में ये केमिकल इंक्लूड रहते हैं दे एड फ्रैगनेंस एंड फ्लेवर टू नेचर अब ये जो केमिकल्स हैं ये फ्रेगनेंस और फ्लेवर देते हैं नेचर में इसकी एग्जाम्पल है जैसे वेनेलिन वेनेलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम वेनीला बीन्स इसमें क्या होता है बेंजीन के साथ सी एच ओ सी एच थ्री ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है सेलिससेल एल्डिहाइड इसमें बेंजीन के साथ सी एच ओ ओएच ग्रुप होता है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम मेडो स्वीट ये एक प्लांट होता है नेक्स्ट है सिनेमन एल फ्रॉम सिनेमन इसमें क्या होता है बेंजीन के साथ सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ तो ये जो तीनों कंपाउंड हैं ये फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर देते हैं टू नेचर नेक्स्ट है नॉर्मल क्लेचर ऑफ एल

अब इसके नाम से ना इसका नाम डिराइव होगा तो आईसी एसिड की जगह ठीक है तो आईसी एसिड की जगह हम एल ऐड कर देंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा तो ऐसे कॉमन नेम देते हैं हम एल का अगर कॉमन नेम या पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट लिखना है एल में तो हम इंडिकेट करते हैं सब्सिट्यूएंट को बाय अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा जैसे जो अल्फा कार्बन है इस वन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द एच ग्रुप सपोज हमारे पास कार्बन का चेन है यहाँ पे सी ग्रुप है जो कार्बन डायरेक्टली किसके साथ अटैच है सी एच ओ के साथ तो ये अल्फा कार्बन होता है उसके साथ वाला बीटा फिर गामा फिर डेल्टा तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं का नेम नेक्स्ट हम आई पी एस सी नेमिंग की बात करेंगे फॉर एल डी हाइड एल डी हाइड का जब हम नेम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं ई फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ एलकेन तो एलकेन के ना ई e को हम रिप्लेस करके सिफिक्स लगा लेते हैं ए AL, एल तो एल डी हाइड का इससे हम आई पी एस सी नेम लिख सकते हैं हम ना लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन को सिलेक्ट करते हैं और नंबरिंग हम ऐसे करते हैं जिससे एल को ना लोएस्ट नंबर मिले तो एल को नंबर वन मिलता है अगर सिर्फ एल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जैसे हमारे पास है सी एच थ्री सी एच ओ तो ना ये जो इसका नाम है कॉमन नेम ये डिराइव हुआ है एसिटिक एसिड से तो इसे हम एस्टल कहते हैं अगर आई यू नेम की बात करें दो कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन और एंड में अल लग जाएगा तो ये इथेनल हो जाएगा नेक्स्ट तीन कार्बन का कंपाउंड है CH3CH2CHO तो ये ना प्रोपेनोइक एसिड से इसका नाम डिराइव हुआ है तो ये है प्रोपिएनल डिहाइड तीन कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनल नेक्स्ट है चार कार्बन का कंपाउंड है CH3CH2CH2CHO तो ये ब्यूटायरिक एसिड से इसका नाम डिराइव हुआ है ये है ब्यूटिरल डिहाइड ठीक है 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल हो जाएगा नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो अगर कॉमन नेम आपको लिखना है तो आप लिखोगे अल्फा बीटा गामा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन में अल्फा फिर बीटा फिर गामा बीटा पोजीशन पे बी है तो इसे ब्रोमो लिखेंगे सब्सिडेंट को पहले लिखते हैं ये बीटा ब्रोमो डिहाइड होगा अगर हम बात करें आई नेमिंग की तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप को अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे वन टू थ्री फोर हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे बी है तो ये हो जाएगा थ्री ब्रोमो चार कार्बन है ब्यूट नेक्स्ट हम नेमिंग की बात करेंगे ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है इनमें रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन दिस कंपाउंड जो सी एच ओ ग्रुप है वो अटैच होता है एलिसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में और जब हम इसका नेम लिखते हैं तो सफिक्स हम कार्बन डिहाइड एड करते हैं ठीक है अगर हम इसे देखेंगे ना यहाँ पे हमारे पास रिंग है यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप अटैच है तो पहले हम इस रिंग का नाम लिखेंगे ये क्या है साइक्लोप्रोपेन क्योंकि तीन कार्बन है और एंड में हम कार्बन डिहाइड लिखते हैं सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन पांच है तो ये साइक्लोपेंटेन कार्बन डिहाइड होगा तो एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड का नेमिंग हम ऐसे करते हैं सिमिलरली एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी हम नेम लिख सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड में सबसे पहले

अगर जो एल ग्रुप प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है साइड चेन पे प्रेजेंट है यहाँ पे बेंजीन है और इसके साइड चेन पे एल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम ना ये जो साइड चेन है उसे मेन चेन लेते हैं और ये जो बेंजीन है ये सब्सिटेंट हो जाता है तो हम नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर तो ये सब्सिटेंट होगा और इसे हम लिखेंगे थ्री फिनाइल क्योंकि थर्ड पोजिशन पे है और ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन चार है तो ब्यूटेन एल हो जाएगा नेक्स्ट है वेन थ्री और मोर सी एच ओ ग्रुप आर लिंक डायरेक्टली टू दैल्टन इन द कंपाउंड तो सपोज हमारे पास कार्बन की चेन है तीन या उससे ज्यादा सी एच ओ ग्रुप अगर अटैच है ना तो हर एक सी एच ओ ग्रुप को हम ट्रीट करते हैं ए लाइक तो एक जैसा सबको ट्रीटमेंट देते हैं और वर्ड कार्बन डिहाइड हम लिखते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे है तीन कार्बन की चेन है यहाँ पे एक सी एच ओ ग्रुप है सी एच ओ ग्रुप है सी एच ओ ग्रुप है अगर आप नॉर्मली नंबरिंग करो ना वन टू थ्री फोर फाइव तो ये सी एच ओ ग्रुप क्या हो जाता है एक्सक्लूड हो जाता है तो हम क्या करेंगे हम सिर्फ कार्बन की चेन को नंबर करेंगे हम करेंगे वन टू थ्री एल को हम नंबरिंग नहीं देंगे तो हम इस केस में कैसे लिखते हैं जब तीन या उससे ज्यादा एल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इन तीनों का नाम लिखेंगे लिखेंगे प्रोपेन वन टू थ्री पोजीशन पे सी एच ओ ग्रुप अटैच है तो हम लिखते हैं प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बल डिहाइट तो इसमें हम वर्ड यूज करते हैं कार्बल डिहाइट नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमन क्लेचर ऑफ कीटोन की कॉमन नेम की बात करेंगे कीटोन होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश जो सिंपल कीटोन होते हैं उसमें जो आर और आर डैश है वो क्या होता है, होता है. जैसे सी एच थ्री सी डॉन्ड ओ सी एच थ्री यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो लिखते हैं डाई मिथाइल कीटोन वेयर एस अगर हमारे पास मिक्स कीटोन है इसमें क्या होता है R और R डैश क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं जैसे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव ये मिथाइल है ये इथाइल है तो इसका नेम लिखेंगे

यहां पे हम क्या लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे अल्फा डैश इस कार्बन को और इसे बीटा डैश लिखेंगे क्योंकि ये डिफरेंट पोजीशन है तो हमने अल्फा यहां यूज किया यहां पे अल्फा डैश यूज किया अगर हम देखेंगे अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन है बीटा डैश पे क्लोरीन है तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा डैश डाई क्लोरो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन दो है यहां पे भी दो है तो लिखेंगे डाई था कीटोन तो ये सब्सिडेड कीटोन का नेम होगा अगर हम कॉमन नेम की बात करें सम कीटोन हैव हिस्टोरिकल कॉमन नेम कुछ कीटोन का ना काफी पुराना कॉमन नेम होता है जैसे डाई मिथाइल कीटोन का सी एस थ्री सी डबल नेम एसीटोन भी हम यूज करते हैं अगर हम एल्काइल फिनाइल कीटोन की बात करें जिसमें एक एलकाइल फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसे यूजली नेम करते हैं हम बाय एडिंग द दसाइल ग्रुप एस प्रिफिक्स टू फिनोन ठीक है तो हमारे पास बेंजीन होना चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे सी एस थ्री यहाँ पे बेंजीन है तो इस ग्रुप का पहले नाम लिखते हैं इसे हम लिखते हैं एसिटो फिर बाद में हम फिनोन ऐड करते हैं इसे हम यहाँ पे लिखते हैं बेंजो फिर एंड में हम फिनोन ऐड करते हैं तो हम ऐसे इनका नाम दे सकते हैं कॉमन नेम नेक्स्ट हम बात करेंगे आई यू पी एस सी नेम ऑफ कीटोन की हम लॉगे चेन लेंगे जिसमें कार्बोनाइल सी प्रेजेंट होना चाहिए हम लोएस्ट नंबर देते हैं फंक्शनल ग्रुप को हम रिप्लेस करेंगे ई पेरेंट एल्केन बाय ओन जब हम कीटोन का नेम लिखते हैं जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है सी एस थ्री सी डो सी एस थ्री तीन कार्बन है तो प्रोपेन ऑन होगा और इसे प्रोपेन टू ऑन भी हम लिख सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड ओ है कीटोन है यहाँ पे सी एच थ्री है लोएस्ट नंबर हम क्या देंगे कीटोन को देंगे नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री ठीक है थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है थ्री मिथाइल ये साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो पेंटेन ऑन ठीक है नेक्स्ट अगर सपोज आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है और साइड चेन पे कीटोन है तो जो साइड चेन है उसे हम मेन चेन लेते हैं और जो ये हमारा बेंजीन होगा इसे हम सब्सिटेंट लेंगे तो नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल है ठीक है और ये तीन कार्बन है ये हो जाएगा प्रोपेन ऑन नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड ओ है नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव टू और फोर पोजिशन पे मिथाइल है टू फोर डाई मिथाइल पांच कार्बन है पेंट एन थ्री ऑन ये होगा नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास ये कंपाउंड है अब इसमें ना कीटोन के साथ एल भी प्रेजेंट है ठीक है बट याद रखना जो प्रेफरेंस है वो एल को दिया जाता है तो हम नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव अब ये जो कीटोन है ना इसे हम एज ए प्रिफिक्स लिखेंगे और प्रिफिक्स में हम इसे ऑक्सो लिखते हैं तो नंबरिंग में वन टू थ्री थ्री नंबर पे कीटोन है तो इसे लिखेंगे थ्री ऑक्सो एल को ज्यादा प्रेफरेंस होती है तो हम लिखेंगे पांच कार्बन है पेंटेन अल नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन ट्वेल्व पॉइंट वन की राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हमें कंपाउंड दिए हैं कॉमन नेम आई पी एस सी नेम दिया हमें उनका स्ट्रक्चर बताना है सबसे पहला है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपिनल डिहाइड प्रोपिनल डिहाइड क्या होता है तीन कार्बन होते हैं एल डिहाइड होता है अब सी एच ओ के साथ वाले जो कार्बन है ना उसे क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन कहते हैं अल्फा कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप है ओ सी एच डी ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड बन जाएगा सेकेंड है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ब्यूटेनल क्या होता है एल्डिहाइड होता है चार कार्बन है तो ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर तो ये सी एच ओ हमारा क्या है एल्डिहाइड है अब यहाँ पे क्या लिखा है थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो थर्ड पोजीशन पे हम ओ OH एच लिखेंगे तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा नेक्स्ट है टू हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बन डिहाइड सबसे पहले साइक्लो पेंटेन बनाएंगे साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे पांच कार्बन है यहाँ पे सी ग्रुप है तो ये साइक्लो पेंटेन है सेकेंड पोजीशन पे ओ OH है तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा फोर्थ है फोर ऑक्सो पेंटेनल पेंटेनल में भी क्या है एल्डिहाइड है पांच कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे एल है अब यहाँ पे फोर्थ पोजिशन पे ऑक्सो है

सेकेंड वाले कार्बन के साथ ये जो हमारा कीटोन है ये अटैच कर रहा है यहाँ पे भी सेकेंड वाले कार्बन के साथ अटैच कर रहा है तो ये डाई सेकेंडी ब्यूटाइल कीटोन है फोर फ्लोरोन एसिटोफिनोन क्या होता है सी एस थ्री सी ओ बन तो ये एसिटोफिनोन है फोर्थ पोजीशन पे फ्लोरो है तो वन टू थ्री फोर फोर्थ पोजीशन पे फ्लोरो है तो ये कंपाउंड होता है फोर फ्लोरो एसिटोफिनोन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप Both and have group. C bond o जो है, वो एलडीट है प्रेजेंट होता है इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन carbon है ना ये एस हाइब्रिडाइज होता है अब एस हाइब्रिडाइज में इसके पास ना तीन एस हाइब्रिडाइज टू ऑर्बिटल होते हैं और एक अनहाइब्रीडाइज पी ऑर्बिटल होता है अब क्या होता है ये जो एस पी ऑर्बिटल है इसके पास तीन एस पी ऑर्बिटल है वो बनाते हैं तीन सिकमा बॉर्ड एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ और दो सिग्मा बॉन्ड ये अदर एटम्स और ग्रुप जैसे आर और एच के साथ ये बॉन्ड बना सकता है और ये जो तीनों सिग्मा बॉन्ड है दे लाई ऑन द सेम प्लेन एट एन एंगल ऑफ वन डिग्री तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना सकता है यहाँ तो अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे वो बॉन्ड बना सकता है और ये जो तीनों सिग्मा बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में लाइक करते हैं और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 120 होता है अब ये जो अनहाइब्रेटाइज पी ऑर्बिटल होता है ना कार्बन का एक जो पी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज है इसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ऑफ कार्बोनाइल कार्बन ये ना पाई बॉन्ड बनाता है विद हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का भी एक पी ऑर्बिटल होता है तो इसके साथ ये पाई बॉन्ड बनाता है अबव एंड बिलो द प्लेन क्या बनता है पाई बॉन्ड बनता है तो ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन carbon है सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और बॉन्ड एंगल 120 होता है अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये क्या होता है पोलराइज होता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन अब कार्बन ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है सो एज ए रिजल्ट इसमें पोलैरिटी होती है हैज द कार्बोनइल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो जो कार्बोनइल कार्बन carbon है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं और लुइस एसिड भी कहते हैं वे रह जो कार्बोलाइन ऑक्सीजन है ना इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होता है न्यूक्लोफिलिक सेंटर होता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है तो ये लुइस बेस भी होता है अब इसमें क्या होता है डाईपोल होता है और ये ज़्यादा पोलर होते हैं एज कंपेयर टू ईथर अगर हम रेजोनेंस की बात करें रेजोनेंस में क्या हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सबसे पहले बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल ये हमने एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ा है हमने लिया प्राइमरी एल्कोहल जैसे आर और साथ में हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे सी आर ओ क्रोमिक एनहाइड्राइड और पी पीसीसी होता है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो पी है ये ज्यादा प्रेफर्ड होता है और हमारा एल्डिहाइड बन जाता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सिमिलरली अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल लिया हुआ है और साथ में सी आर ओ थ्री लिया हुआ है तो ये क्या करता है ऑक्सीडाइज कर देता है और कीटोन बना देता है सेकेंड मेथड है बाय डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल ये भी हमने मेथड एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ा है जो एल्कोहल के वेपर्स हैं दे आर पास्ड ओवर हैवी मेटल्स तो हैवी मेटल के ऊपर से एल्कोहल के वेपर पास होते हैं हैवी मेटल कैटलिस्ट हम ले सकते हैं जैसे सिल्वर और कॉपर और इसका ना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है कैटेलिटिक डीहाइड्रोजिनेशन में अगर हम बात करें सपोज हमारे पास प्रोपेनॉल है प्राइमरी अल्कोहल है इसके वेपर्स हम पास करेंगे कॉपर से 573 सेवेंटी कैलविन में तो इसमें क्या होगा डीहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा साथ में हमारा एल्डिहाइड बनेगा प्रोपेनल सिमिलरली अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है जैसे प्रोपेन टू ऑल अगर इसके भी वेपर्स आप कॉपर से पास करते हो एट 573 केल्विन तो हमारा प्रोपेनोन बनता है साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें भी डीहाइड्रोजिनेशन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है थर्ड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इसमें पहला है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एल्कीन को हम ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं उसके बाद हम ना जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एल्किन लिया है सपोज़ हमारे पास प्रोपीन है हमने ओजोन के साथ इसे रिएक्ट किया अब क्या होता है ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है अब ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे ऐड हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पे तो हमारा ये एक रिंग लाइक -like स्ट्रक्चर बनता है इसे हम प्रोपीन ओजोनाइड कहते हैं उसके बाद हम जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जो जिंक है ना इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जेड एन ओ बनाता है ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो हमारा सी एच थ्री सी एच ओ बनता है जो इथेनल होता है इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है हमारा एच सी एच ओ बनता है जो मिथेनल होता है तो अगर आपने प्रोपीन लिया हुआ है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है तो आपका इथेनल और मिथेनल बनता है ओजोनोलिसिस का है मिथाइल ब्यूटीन हमने ओजोन ऐड किया उसके बाद हमने रेड किया जिंक इन पेंस ऑफ वाटर ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड हो जुड़ जाएगा हमारा बनेगा सी एच थ्री सी एच ओ इथेनल बनेगा साथ में सी एस थ्री सी डल बॉन्डोर सी एस थ्री हमारा इथेनल और प्रोपेनॉन बन रहा है हमारा एल्डिहाइड और किटोन यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोकार्बन से सेकेंड मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ एलकाइंस एलकाइंस में हम वाटर ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डाइल्यूट एच टू एसओ फोर एंड एच जी एसो फोर जैसे हमारे पास इथाइन है इसमें हमने वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एच टू एसो फोर एच जी एसओ फोर एक तरफ हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक तरफ ओ OH एच जुड़ जाएगा अब इसमें याद रखना क्या होता है इसमें ना इक्विब्रियम होता है इसे हम टोटोम भी कहते हैं अब ये जो हाइड्रोजन है ना वो इस कार्बन पे चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे सी एच थ्री बन जाएगा और ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट होके कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा हमारा यहाँ पे एस्टल्डिहाइड बनता है सिमिलरली हमने प्रोपाइन लिया वाटर एड किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर एच जी एस फोर तो वाटर एड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कनिक रूल ओ एच नेगेटिव उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हाइड्रोजन तो ओ एच नेगेटिव यहां पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा इसमें भी क्या होगा इक्विलिब्रियम में ये रहेगा होगा ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे जुड़ेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे हमारा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री बनेगा एसीटोन बनेगा तो इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन हम बना सकते हैं नेक्स्ट हम सिर्फ प्रेपरेशन ऑफ एलडिया की बात करेंगे इसमें पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एसाइल क्लोराइड को हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं इसमें असाइल ग्रुप होता है आर सी ओ ग्रुप को असाइल ग्रुप कहते हैं तो ये होता है आर सी ओ सी एल इट इज हाइड्रोजिनेटेड इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसमें रिडक्शन करते हैं ओवर कैटलिस्ट कैटलिस्ट लेते हैं हम प्लेडियम ऑन बेरियम सल्फेट साथ में हम बेरियम सल्फेट ऐड करते हैं अब ये जो बेरियम सल्फेट है ना ये एज ए पॉइजन काम करता है मतलब जो कैटलिस्ट है इट इज पार्शली डीएक्टिवेटेड और पॉइजन बाय एडिशन ऑफ बेरियम सल्फेट तो वो जो एक्टिविटी होते हैं ना पलेडियम की उसको ना कम करता है बेरियम सल्फेट तो ये एज ए क्या पॉइजन काम करता है पार्शली डीएक्टिवेट करता है ऐसा इसलिए करता है टू अवॉइड फर्दर रिडक्शन ऑफ एल टू एल्कोहल अगर आपने सिर्फ हाइड्रोजन लिया है और प्लेडियम लिया ना तो वो क्या करेगा ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड कर देगा और जो हमारा एल होगा ना तो उसे ना एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा तो हम सिर्फ चाहते हैं हमारा एल बने तो हम क्या करते हैं प्लेडियम को पार्शली डीएक्टिवेट करते हैं बाय एडिंग पेरियम सल्फेट और ये जो रिएक्शन है इसे रोजन रिडक्शन भी कहते हैं सबसे पहले हमारा इथेनॉल क्लोराइड है इसे हम एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं सी एच हाइड्रोजन एड करेंगे इन पेन्स ऑफ पी डी बी हमारा यहाँ पे बन जाता है एसटेल डीड सिमिलरली आप बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हो हाइड्रोजन ऐड करोगे इन पेन्स ऑफ पीडी बी एस ओ फोर

और साथ में हाइड्रोजन रिलीज करता है वही हाइड्रोजन क्या करता है इसकी रिडक्शन करता है एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड होता है एक यहाँ पे हमारा बनता है RCH bond NH, और इसे हम क्या बोलते स्टीफन रिएक्शन कहते हैं नेक्स्ट है, है नाइट्राइल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड अब हम क्या कर सकते हैं जो ये सेम स्टेप है ना हम इसके लिए ना एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं ये जो रिडक्शन हो रही है इसमें हम यूज कर सकते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एलमिनियम हाइड्राइड इसे डाइबाल एच पी कहते हैं ये सेम चीज करता है आर सी एन को किसमें कन्वर्ट कर देगा इमाइन में कन्वर्ट कर देगा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल्मीनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल ट्वाइस ठीक है हमारा इमाइन बन जाएगा सेकेंड स्टेप में हम हाइड्रोलिस करेंगे हमारा क्या बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइबाल एच की इट डू नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये इंटरफेयर नहीं करता जैसे अगर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है सी है सबसे पहले हम एलुमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल ट्वाइस विच इज डाइबाल एच साथ में हाइड्रोलिस करेंगे हमारा एल बन जाएगा और डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या रहता है रिटेन रहता है अब सिमिलर जो रिएक्शन है हम एस्टर के भी कर सकते हैं इसमें भी हम डाइबल एच यूज़ करते हैं तो याद रखना जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है हमारा एल बन जाता है और ये वाला जो पार्ट है ना ये एल्कोहल बना देता है जैसे यहाँ पे बनेगा सी टू एच फाइव ओ एच तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कर देगा एल बना देगा थर्ड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं जैसे बेंजल डिहाइड और उसके डेरिवेटिव फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय फॉलोइंग मेथड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम बना सकते हैं सबसे पहले बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बेंजीन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है उसे हम टॉलिन भी कहते हैं अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन वो क्या करते हैं टोलिन को ना ऑक्सीडाइज कर देते हैं टॉलिन और उसके डेरिवेटिव को और वो बेंजोइक एसिड बना देते हैं बट हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए बेंजल डी हाइड चाहिए इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द एल स्टेज हम चाहते हैं कि एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सिर्फ एल तक ही ऑक्सीडाइज करे उसे फर्दर ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड ना बनाए तो हम सुटेबल रिएजेंट लेते हैं जो कन्वर्ट करता है मिथाइल ग्रुप को एक इंटरमीडिएट में दैट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज फर्दर उसे हम फर्दर ऑक्सीडाइज़ नहीं कर पाएंगे और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा एल मिल जाएगा द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर दिस पर्पज सबसे पहले है यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड विजिज सी आर ओ टू सी एल टू क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑक्सीडाइज करता है मिथाइल ग्रुप ऑफ टॉलिन टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तो हमने टोलिन लिया है सी आर ओ टू सी एल टू क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सी एच टू तो हमारा ना एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता तो इसमें क्या होता है सी एच ब्रैकेट ओ सी आर ओ एच सी एल टू ट्वाइस तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है अगर हम इसकी हाइड्रोलिस करें ना एच थ्री ओ प्लस हीट करें तो हमारा क्या होता है बेंजल डिहाइड बन जाता है तो इस रिएक्शन को हम इटार रिएक्शन कहते हैं तो इसमें हम इंटरमीडिएट बनाएंगे उसके हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट बना देंगे सेकेंड है बाय क्रोमिक ऑक्साइड सी आर ओ थ्री ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिमिलर रिएक्शन होगा इसमें भी टॉलिन को हम एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेंगे जिसे बेंजाइलीडीन डाई एसिटेट कहते हैं वैसे हम रेड किसके साथ करते हैं टोलिन को क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड तो हमारा ये इंटरमीडिएट बनता है अब ये जो इंटरमीडिएट बना ना बेंजालीडीन डाई एसीटेट इसे फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं टू बेंजाल्डिहाइड विद एक्वस एसिड अगर हम रिएक्शन की बात करें हमारे पास यहाँ पे क्या है टोलिन है CrO3 के साथ हम रेड करते हैं साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O के साथ हम रिएक्ट करेंगे 273 to 283 Kelvin पे हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है बेंजाइलिडीन डाई डाई तो ये सी होता है सी ट्वाइस अब ये जो कंपाउंड है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता तो इसके हम हाइड्रोलिस करेंगे तो हमारा बेंजल डिहाइड बन जाएगा थर्ड मेथड है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिस इसमें हम क्या करते हैं साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन करते हैं हमें बेंजल क्लोराइड मिलता है टॉलिन लिया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एचएनयू मतलब सनलाइट लिया ठीक है अब इसमें ना फ्री रेडिकल क्या होता है सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन की जगह ना क्लोरीन आ जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और इसे हम कंट्रोल्ड वे में करते हैं ताकि सिर्फ दो हाइड्रोजन की जगह ना दो क्लोरीन जाए तो हमारा बनता है CHCl2 इसे हम बेंज़ल क्लोराइड कहते हैं तो हमें बेंज़ल क्लोराइड बनाना है अब इस बेंज़ल क्लोराइड की हम हाइड्रोलीसिस करते हैं 373 केल्विन में और हमारा बेंजल डिहाइड बन जाता है और ये कमर्शियल मेथड है जिसमें हम ज्यादा स्केल में क्या बना सकते हैं बेंजल डिहाइड बना सकते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड है बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन इसमें हम क्या करते, है? है है। हम करते हैं बेंजीन लेते हैं या उससे कोई डेरिवेटिव ले सकते हैं उसे हम रेड करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और एच के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं एज ए कैटलिस्ट और आप क्लोराइड ले सकते हो आपका बेंजल डिहाइड बनता है या याबस्टिट्यूटेड बनता है अगर इसके मैकेनिज्म की हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप एच के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा बनता है एच सी डी एल अब ये जो एनहाइड्री एल थ्री और सी यू सी एल इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है तो वो सी एल एक्टिव को अपनी तरफ ले जाता है यहाँ पे हमारा बनता है एच सी बॉन्ड ओ और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है इसे हम फॉर्माइल कहते हैं ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है बेंजीन पे अटैक करता है और बेनज बनाता है और इस रिएक्शन को हम गैटर कोच रिएक्शन कहते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ कीटोन सबसे पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एसाइल क्लोराइड को हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं हम कीटोन को प्रिपेयर करते हैं जब हम रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड को विद डाई एलकाइल कैडमियम तो सबसे पहले हम डाई एलकाइल कैडमियम बनाएंगे हम ग्रीगनोड रिजन लेंगे आर एम जी एस इसमें मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव आर डेल्टा नेगेटिव साथ में कैडमियम क्लोराइड सी डी सी एल टू ये सी डी जो है टू प्लस की फॉर्म में होता है कैडमियम क्लोराइड अब इसमें ना आर पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो कैडमियम के साथ ये क्या करता है जुड़ जाता है इस पर अटैक करेगा दो अटैक करेंगे क्योंकि कैडमियम टू प्लस की फॉर्म में होता है तो हमारा आर टू सी डी बनेगा डाई एलकाइल कैडमियम बनेगा ठीक है साथ में हम इसे रेड करते हैं आर टू सी डी को एसिड क्लोराइड के साथ आर डे सी ओ सी एल अब इसमें जो कार्बन है कार्बोन एल कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला आर इस पर अटैक करेगा ठीक है क्योंकि इस पर डेल्टा नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज होगा कैडमियम पे तो ये इस पर अटैक करेगा सी एल रिमूव हो जाएगा हमारा बनेगा आर डे सी ओ आर तो हमारा कीटोन बन गया एग्जाम्पल लेंगे जैसे हमारे पास सी एच थ्री एम सी बी आर सी डी सी एल टू तो सी एच थ्री इस पर अटैक करके सी एच थ्री टाइ सी डी बनाएगा हम क्या करेंगे इसको रिएक्ट करेंगे इथेनॉल क्लोराइड के साथ इसे हम एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं सी एस थ्री सी ओ सी एल हमने लिया डाई मिथाइल कैडमियम जो हमने यहाँ पे बनाया था ये इसके साथ जुड़ जाएगा हमारा बन जाएगा सी एस थ्री सी डल बॉन्डो सी एस थ्री हमारा एसिटोन बन गया साथ में सी डी सी एल टू मिल गया तो सी डी सी एल टू जो हमने इनिशियली यूज किया था हमें वापस मिल गया तो हम फर्दर इससे रिएक्शन कर सकते हैं सेकेंड रिएक्शन है हम नाइट्राइल से भी क्या बना सकते हैं कीटोन बना सकते हैं Nitrile को हम रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नोल रिएजेंट के साथ उसके बाद हाइड्रोलिसिस से हमारा कीटोन बनता है जैसे हमारे पास है सी एच थ्री सी एन इथेन नाइट्राइल होता है ग्रीक के साथ हम रिएक्ट करेंगे अब याद रखना ये जो कार्बन है इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ग्रिग्नोल रिएजेंट पे जो सी एच थ्री है इस पर डेल्टा नेगेटिव और मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव तो ये इस पर अटैक करेगा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे तो हमारा सी एच थ्री सी CH3 बनेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एम जी बी आर जुड़ जाएगा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा हमारा एसीटोन बन जाएगा तो हम नाइट्राइल से ketone बना सकते हैं थर्ड मेथड है from benzene और हम 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 करेंगे friedel craft acylation. Acylation में करते करते हैं which is RCO group. हम benzene को करते हैं को एसिड क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड हमें कीटोन मिलता है हमने बेंजीन लिया हमने एसिड क्लोराइड यहाँ पे लिया एसिटाइल क्लोराइड सी एच थ्री सी ओ सी एल एनहाइड्रलियम एज ए कैटलिस्ट काम करता है ये एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो यहाँ से नेगेटिव ये अपनी तरफ खींच लेता है हमारा सी एच थ्री सी ओ प्लस बनता है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा बेंजीन पे अटैक करेगा हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ सी डबॉन्डो सी एच थ्री इसे हम एसिटोफिनोन कहते हैं और ये कीटोन होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल ट्वेल्व पॉइंट वन की गिव नेम ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन हमें रिएजेंट बताना है सबसे पहले हेगजेन वन ऑल टू हेक्गजेनल हमने एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है हम पीसीसी यूज कर सकते हैं तो पीसीसी से हम एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेनॉल टू हैगजेनॉल तो साइक्लोहैक्सिन यहाँ देखने सेकेंडरी अल्कोहल होता है ये जो कार्बन है वो के साथ अटैच है इसके साथ दो कार्बन अटैच है तो इससे हमें कीटोन बनाना है तो हम एनहाइड्रस सी आर ओ थ्री ले सकते हैं तो हमारा कीटोन बन जाएगा ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नेक्स्ट पैराफ्लोरोटोलिन से हमें बनाना पैराफ्लोरोजल डिहाइड मतलब टोलिन से बेंजल डिहाइड हमें बनाना है हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे क्रोमाइल क्लोराइड लेंगे और उसके बाद हाइड्रोलिसी से हमारा बंजीहाइड बनेगा इसे हम इटार्ड रिएक्शन कहते हैं नेक्स्ट है एलाइल एल्कोहल से प्रोपिनल हमें बनाना है ये अलाइल एल्कोहल है जो कार्बन ओ के साथ अटैच है ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच है जिसमें डबल बॉन्ड है इसमें हम पी लेंगे पीसीसी याद रखना डबल बॉन्ड के साथ इंटरफेयर नहीं करता और हमारा यहाँ पे एल बनता है एल्कोहल से तो हम पीसीसी लेंगे नेक्स्ट है ब्यू टू इन से इथेनल हम बनाएंगे ये ब्यू टू इन है हमें इथेनल बनाना है तो हम ओजोनोलिसिस करेंगे साथ में जिंक वाटर लेंगे ओजोनलिस से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा और हमारे दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनल बन जाएंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन ट्वेल्व पॉइंट टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हमें प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बताना बेंजीन दिया सी टू एच फाइव सी ओ सी एल के साथ हमने रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्री एल थ्री सी एस टू एनहाइड्रस सी एल सी एल थ्री क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये स्पीशीज लुइस एसिड होता है तो ये क्या करेगा यहाँ से सी एल नेगेटिव ले लेगा ले हमारा सी टू एच फाइव सी ओ पॉजिटिव बनेगा जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पर अटैक करेगा हमारा बनेगा बेंजीन के साथ सी ओ सी टू एच फाइव नेक्स्ट है हमारा सी सिक्स एच फाइव सी एच टू सी डी सी एच थ्री सी ओ सी एल अब यहाँ पे मेटल जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे अगर देखेंगे इस कार्बन पे इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा ये सी एच टू इस पे अटैक करेगा हमारा साथ में सी डी सी एल टू बनेगा तो हमारा बनेगा सी सिक्स एच फाइव सी एच टू इसके साथ सी ओ जुड़ जाएगा सी ओ सी एच थ्री हमारा यहाँ पे कीटोन बना नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हमारा यहाँ पे प्रोपाइन है हमने एच जी टू प्लस एच टू ऐसा लिया ये एक्वा सोलूशन में होता है तो इसमें हाइड्रेशन होता है वाटर एड होता है मार्कोनिक रूल से ऐड होता है तो यहाँ पे ओ एच यहाँ पे एच जुड़ जाता है ओ एच का जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे मूव कर जाता है इसे हम टोटोमेरिज्म कहते हैं और हमारा यहाँ पे कीटोन बनेगा नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फोर नाइट्रोटोलिन है हमने यहाँ पे लिया क्रोमाइल क्लोराइड इन प्लेस ऑफ एच थ्री ओ प्लस सबसे पहले इसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमारा इंटरमीडिएट बनता है और इसके बाद हाइड्रोलिसिस से हमारा बेंसलडीहाइड बनता है और इसे हम इटार रिएक्शन कहते हैं तो यहाँ सी एच की जगह सी ग्रुप जुड़ जाएगा नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलडीहाइड एंड कीटोन सबसे पहले है फिजिकल स्टेट जो मिथेनल है ना वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे इथेनल एक वॉलरटाइल लिक्विड है मतलब ये वेपर्स बनाता है अदर एलडीहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं लिक्विड होते हैं और वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे अगर हम बॉलिंग पॉइंट की बात करें एल्डिहाइड और कीटोन का रिलेटिवली हाई क्या होता है बॉलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर कीटोन को जब हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोकार्बन से जिनका मास ऑलमोस्ट क्या सिमिलर है एल्डिहाइड कीटोन का ज़्यादा क्या होता है बॉलिंग पॉइंट होता है ऐसा इसलिए होता है इट इज ड्यू टू वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या कर सकते हैं एसोसिएट कर सकते हैं बट जो एसोसिएशन होता है वो वीक होता है ड्यू टू इंटरेक्शन तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन में ना कार्बोन ग्रुप होता है कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो सपोज ये एक हमारा मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड या ये कीटोन हो सकते हैं अब ये जो कार्बन है क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर सकता है ये कार्बन इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर सकता है तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना इसे हम वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं एज ए रिजल्ट और कीटोन का ना पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है अगर हम एल डी एंड कीटोन की बात करें इनमें डायपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है बट ये जो इंटरेक्शन है ना ये वीकर है एज कंपेयर टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और काफी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है अगर कंपेयर करें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से एज ए रिजल्ट क्या होता है जो बॉलिंग पॉइंट ऑफ एलडीड एंड कीटोन है ना वो लोअर हो जाता है अगर हम उसे कंपेयर करें एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासकोहल का बॉलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है हमारे पास, पास पांच कंपाउंड है मॉलिकुलर ऑलमोस्ट सिमिलर है सबसे पहले एन ब्यूटेन ये हमारा एल्केन है ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है इसमें वीक वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बॉलिंग पॉइंट सबसे कम होता है नेक्स्ट है ईथर मिथॉक्सी इथेन ठीक है अब ईथर में ना पोलैरिटी काफी कम होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है काफी वीक होता है एज ए रिजल्ट बॉलिंग पॉइंट ना इसका किससे ज्यादा होता है ब्यूटेन से ज्यादा होता है टू एटी वन नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की जो पोलैरिटी है ना वो ईथर से ज्यादा होती है तो बॉलिंग पॉइंट दोनों का ज्यादा होता है क्योंकि डायपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनमें स्ट्रॉगर होता है अगर आप प्रोपेनल एंड एसीटोन की बात करेंगे तो दोनों में मॉलिक्यूलर मास क्या सेम है क्योंकि दोनों आइसोमर हैं कीटोन में याद रखना दो आर ग्रुप होते हैं तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वेंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है जब दोनों क्या है आइसोमेरिक है और लास्ट में आता है एल्कोहल प्रोपेनॉल जो एल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट है सोलबिलिटी ऑफ एल एंड कीटोन जो लोअर मेंबर है एल और कीटोन के जैसे मिथेनल इथेनल प्रोपेनॉल दे आर मिसिबल इन वॉटर इन ऑल प्रपोर्शन तो ये वॉटर में डिजॉल्व हो सकते हैं हर एक प्रपोर्शन में हर एक कंसनट्रेशन में क्योंकि ये वॉटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं हमें पता है एल और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि ये ज़्यादा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगटिव होता है सिमिलरली वाटर में ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं इसकी वजह से जो लोअर मेम्बर्स हैं वो क्या होते हैं सोलबल होते हैं बट जो सॉलिबिलिटी ऑफ एलडीआइड एंड कीटोन है वो डिक्रीज होता है रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एल्काइल चेन तो अगर आपने एल्काइल चेन इंक्रीज किया ना तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है क्योंकि जो एल्काइल चेन है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो ना हाइड्रोजन बॉडी के साथ इंटरफेयर करता है और सॉलिबिलिटी को डिक्रीज कर देता है तो हायर मेम्बर्स की जो सॉलिबिलिटी है वो लेस होती है ऑल एलडीआईड एंड किटोन आर फेयरली सॉलिबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट मेरा सारे जो एल और कीटोन है वो डिजोल्व कर सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में ईथर में मिथनॉल एंड क्लोरोफॉर्म में ऑर्डर की बात करेंगे जो लोअर एल एंड कीटोन है दे हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर मतलब इनकी ना एक स्मेल होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है लोअर एल की बट जैसे साइज इंक्रीज़ होता है ना एल और कीटोन का इनकी ऑर्डर लेस पंजेंट तो इनकी स्मेल कम हो जाती है और फ्रेगनेंस इनकी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है

ब्यूटेनॉल का क्योंकि इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका एल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट होगा सबसे कम किसका होगा ब्यूटेन का होगा क्योंकि ये क्या होते हैं ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है इसमें सिर्फ वीक वेंटरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है सो एज ए रिजल्ट जो ब्यूटेन है उसका सबसे कम क्या होगा बॉलिंग पॉइंट होगा नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे क्या है ईथर है और यहाँ पे एल्डिहाइड है दोनों में पोलैरिटी होती है बट ईथर में ना वीक पोलैरिटी होती है और एल की पोलैरिटी क्या होती है हाई पोलैरिटी होती है दोनों में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है तो एल में जो पोलैरिटी है वो ईथर से ज्यादा होती है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होता है एल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज ए रिजल्ट एल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ईथर से ज्यादा होता है तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल एंड कीटोन एलडी और जो कीटोन है इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये सिमिलर केमिकल रिएक्शन शो करते हैं सबसे पहले है न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो इसमें न्यूक्लोफाइल ऐड होता है हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो न्यूक्लोफाइल है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ पोलर कार्बोनाइल ग्रुप अब एल्डिहाइड और कीटोन में पोलर कार्बोनाइल ग्रुप होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस पर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो वो कार्बोनाइल कार्बन carbon पे अटैक करेगा अगर डायरेक्शन की बात करेंगे जो न्यूक्लियोफाइल है इट इज अप्रोक्सीमेटलीपेडिकुलर टू दी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनाइल कार्बन ये जो याद रखना ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है प्लेनर होता है तो न्यूक्लियोफाइल का जो क्या होता है अटैक होता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर अटैक होता है एज ए रिजल्ट जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल ना कार्बन के साथ जुड़ जाएगा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं स्लो स्टेप ये होता है ठीक है हाइब्रिडाइजेशन तो चार सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं तो एसपी थ्री हाइब्रोडाइजेशन हो जाती है और हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है इसे हम टेट्राहीटल एल्कोक्साइड जो है वो एक इंटरमीडिएट बनता है ठीक है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है काफी अनस्टेबल होता है तो इंटरमीडिएट क्या करता है कैप्चर करता है प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम रिएक्शन मीडियम में जैसे अगर आपके पास वाटर है तो वहां से वो क्या करेगा एच प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा ये फास्ट स्टेप होता है सेकंड स्टेप होता है और हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है जहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो स्टार्टिंग में क्या होता है न्यूक्लोफाइल जुड़ता है उसके बाद H+ जुड़ जाता है और हमारा एडिशनल प्रोडक्ट मिलता है जब हम क्या करते हैं न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सेकंड है रिएक्टिविटी जो एल है वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो रीजन है सबसे पहले स्टेरिक इफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्सिट्यूएंट इन कीटोन हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनाइड कार्बन अब कीटोन में क्या होते हैं रिलेटिवली लार्ज सब्सिट्यूएंट होते हैं मतलब दो आर ग्रुप होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एल में सिर्फ एक आर ग्रुप होता है अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना तो ये आर ग्रुप क्या करते हैं न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं एल में एक है कीटोन में दो है सो एज ए रिजल्ट कीटोन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाता है कम हो जाता है देन इन एल बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो जाता है सेकेंड है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इन कीटोन कार्बन कार्बन इज अटैच टू टू एलकाइल ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर तो यहां पे दो आर ग्रुप है हैं जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन अच्छा, पे दो आर है, करेंगे करें और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज करेंगे सो तो दीज अल्काइल ग्रुप पुश इलेक्ट्रॉन टूअर्ट द कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं एंड रिड्यूस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ तो कार्बोनाइल अच्छा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करते हैं इन कीटोन तो कीटोन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू एल और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है कीटोन में वो डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एल नेक्स्ट है एग्जाम्पल ट्वेल्व वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल डी टू बी मोर रिएक्टिव हमें पूछा जो बेंजल डीहाइट है वो ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल प्रोपेनल से हमें कंपेयर करना है एक्सप्लेन योर आंसर सबसे पहले जो कार्बन एटम है कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बेंजल डिहाइड बेंजल डिहाइड में जो कार्बन carbon है कार्बोनाइल ग्रुप का वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल तो प्रोपेनल के जो कार्बन एटम है कार्बोनाइल ग्रुप का उसमें क्या होता है जो पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा होता है और बेंजल डिहाइड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता है

एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एच सी एन जो एलियड एंड कीटोन है ना वो एस सी एन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और ये बनाते हैं साइनोहाइड्रेट ये जो रिएक्शन है ना काफी ये स्लो होता है अगर आप सिर्फ रिएक्ट करो प्योर एच सी एन के साथ तो इस रिएक्शन को हम कैटेलाइज करते हैं हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं एज ए बेस और ये जनरेट करता है साइनाइड आइन सी एन न्यूक्लियोफाइल होता है हम देखेंगे हमारे पास एस सी एन है काफी रिएक्शन स्लो होती है तो हम ना बेस लेते हैं ओ OH तो OH तो एच नेगेटिव तो ओ एच नेगेटिव क्या करता है यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है वाटर बनाता है साथ में सी नेगेटिव आयन बनाता है विच इज साइनाइड आयन और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल होता है सपोज हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है एल डी एड या कीटोन हो सकता है अब सी ए नेगेटिव क्या करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे ठीक है एज ए रिजल्ट ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और हमारा टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा पे नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा जो सोल्यूशन है वहां से प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करेगा एक्सट्रैक्ट करेगा तो हमारा कार्बन के साथ OHCN जुड़ गया इसे ही हम क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रिन कहते हैं सपोज हमारे पास एसटल डीहाइड है सी एच थ्री सी एच ओ एस सी एन के साथ रिएक्ट किया तो इसमें क्या होगा कार्बन के साथ ओ एच सी एन जुड़ जाएगा इसे हम एसिटल डिहाइड साइनोहाइड्रेन कहते हैं सिमिलरली अगर आपके पास एसिटोन होता तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता उसे हम एसिटोन साइनोहाइड्रिन कहते बी है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे एन भी कहते हैं जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है इसे हम एल एंड कीटोन में ऐड करते हैं और हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जैसे हमने एसटल डी लिया सी एस थ्री सी एच ओ इसमें हमने ऐड किया एन ए एच एस ओ थ्री सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सल्फर के साथ ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ सोडियम जुड़ जाएगा तो हमारा बनेगा कार्बन के साथ ओ एस ओ टू एच और यहाँ पे ओ एन ए इसमें ना प्रोटॉन ट्रांसफर होता है स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा सोडियम यहाँ चले जाएगा तो हमारा ओ एस ओ टू एन ए यहाँ पे ओ एच बन जाएगा इसे हम एस्टेल डिहाइड बाय सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट कहते हैं जो क्रिस्टलाइन होता है कीटोन भी सेम रिएक्शन देंगे पोजीशन ऑफ इक्विब्रियम लाइज लार्जली राइट साइड ऑफ एल तो जब आप एल लेते हो ना तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है लेफ्ट फॉर कीटोन ड्यू टू स्टेरिक रीजन बट जब आपने कीटोन लिया ना तो प्रोडक्ट कम बनता है जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड में रहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीटोन में ना दो आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होता है तो कीटोन में जो प्रोडक्ट है ना एडिशनल प्रोडक्ट वो कम बनता है और एल में ज्यादा प्रोडक्ट बनता है अब ये जो एडिशनल प्रोडक्ट है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इट कैन बी डीकम्पोज बाय डेल्यूट मिनरल एसिड तो आपने सपोज रिएक्शन किया ना तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मिला और जो इम्प्योरिटीज है वो सोल्यूशन में रह जाएगा आप इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हो जो ये एडिशनल प्रोडक्ट मिला ना इसे आप डीकम्पोज कर सकते हो बाय डेल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली तो डेल्यूट मिनरल एसिड और अल्कली से ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो रिजनरेट करेगा तो तो अगर आपने अल्कली या डाला तो में चले जाता जाता है है। और आपको एन की टोन मिल जाता है। so, as a result, आप क्या कर सकते हो प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल डी एड एंड किटोन सपोज आपके पास इम्प्योर एल डी एड एंड किटोन था तो आपने एडिशनल प्रोडक्ट बनाया impurities को रिमूव कर दिया और इस एडिशनल प्रोडक्ट को जब आपने

तो आर क्या करेगा डेल्टा होता है कार्बन पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा एल्कोहल पे पे बनेगा तो फॉर्मल डी हाइड से हम प्राइमरी एल्कोहल बना सकते हैं एनी अदर एल्डिहाइड आपने लिया आर सी एच ओ आर डैश एम जी एक्स आर डैश इस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे एम जी एक्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोलिसिस पे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा हमारा बनेगा आर -OH, सी एच आर डैश ओ एच सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा और अगर आपने कीटोन लिया हुआ है आर सी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश एम जी एक्स आर डैश यहाँ पे जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो आपका टोशी एल्कोहल मिलेगा तो अगर आप ग्रिग्नो डि एजेंट फॉर्मल डिहाइड में ऐड करते हो हाइड्रोलिसिस के बाद प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो अदर एलडीहाइड से आप सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन से आप टर्सरी अल्कोहल बना सकते हो डी है एडिशन ऑफ एल्कोहल जो एल है ना वो रियड कर सकते हैं वन इक्विवलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएट करते हैं इन प्रेन्स ऑफ ड्राई एसियल टू यील्ड एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट जिसे हम हेमी एस्टल कहते हैं तो हमने एल लिया आर डैश ओ एच हमने एल्कोहल लिया कौन सा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ड्राई एससी लिया ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है अब एल्कोहल में क्या होता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ए न्यूक्लोफाइल काम करता है इस कार्बन पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है हमारा हेमी एस्टर बनता है एक तरफ एल्कोक्सी ग्रुप होता है ओ आर डैश एक तरफ एल्कोहल होता है इसे हम हैमी एसिटल कहते हैं अब ये जो हैमी एसिटलाइट से हम फर्दर रियड कर सकते हैं अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल से आर डैश ओ एच इन पेंस ऑफ एच तो इसमें क्या होता है ओ एच की जगह यहाँ पे ओ आर डैश आ जाता है तो हमारा ओ आर डैश ओ आर डैश एक ही कार्बन पे दो ओ आर डैश है तो इसे हम जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड कहते हैं और इसे हम एसिटल कहते हैं अगर हम बात करें कीटोन की दे डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से कीटोन रिएक्ट नहीं करते बट ये रिएक्ट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ अंडर सिमिलर कंडीशन और ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल कहते हैं तो आपने कीटोन लिया इथाइलिन तो ये क्या करता है इसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल कहते हैं साथ में वाटर रिलीज होता है हमने देखा था जब भी हम एसिटल या कीटल बनाते हैं हम ड्राई एससीएल क्या लेते हैं ऐसे कैटलिस्ट लेते हैं जो ड्राई एससीएल है वो क्या करता है प्रोटोनेट करता है ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइन कंपाउंड तो ये जो ऑक्सीजन है इसमें क्या करता है हाइड्रोजन ऐड करता है इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेशन इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनइट कार्बन इसमें हाइड्रोजन ऐड होने से ना जो इलेक्ट्रॉन है इधर थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है तो इसमें लिखा है इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है एज ए रिजल्ट न्यूक्लोफिलिक अटैक ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोन ईजी हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस पर ये इजली अटैक कर सकते हैं अगर हम बात करें

अमोनिया होता है NH3 उसके डेरिवेटिव क्या होता है आपने क्या किया अमोनिया का एक हाइड्रोजन को एक ग्रुप से रिप्लेस कर लिया तो NH2Z लिखते हैं Z कोई भी ग्रुप हो सकता है जैसे एलकाइल एराइल ओ एच एन एच टू सी सिक्स एच फाइव एन एच एन एच सी ओ एन एच टू तो इसे हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया अब अमोनिया और उसके डेरिवेटिव पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है वहाँ पे ऐड हो जाता है ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर आप ये देखोगे ये रिएक्शन क्या होती है रिवर्सिबल होती है केटिलाइज बाय एसिड तो इसमें एच प्लस एसिड डलता है अब एच प्लस क्या करता है ये जो ऑक्सीजन है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पर अटैक करता है ओ OH एच बनाता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ठीक है सो एज ए रिजल्ट यहाँ पे ओ एच एन एच सेट बन जाता है अब ये जो इक्विलिब्रियम है फेवर्ड होता है टुवर्ड्स द राइट साइड ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट ये जो इंटरमीडिएट है ये रैपिडली क्या करता है डी हाइड्रेट करता है वाटर रिलीज कर देता है यहाँ से ओ एच एच क्या होता है रिमूव हो जाता है हमारा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है तो कभी भी आपको अमोनिया और उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है और आपको क्या दिया LDI, DIA, ketone, तो है एल डीड या कीटोन तो यहाँ से ओ और यहाँ से एच टू क्या होते हैं रिमूव हो जाता है वाटर रिलीज हो जाता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है अब ये जो डेरिवेटिव है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है दे आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड क्योंकि ये क्या कर सकते हैं जो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव है ना ये रिएक्ट कर सकते हैं एल्डीटोन के साथ तो हम इसे यूज करते हैं रिएक्शन शो कर रहे हैं तो मतलब वो जो कंपाउंड है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है नेक्स्ट हम रिएक्शन ऑफ अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की बात करेंगे सबसे पहले रिएक्शन विद अमोनिया जो अमोनिया है वो एल्डियाड एंड किटोन के साथ रिएक्ट कर सकता है और जो प्रोडक्ट देता है उसे हम इमाइन कहते हैं जैसे हमारे पास एस्टल है सी एच थ्री सी एच ओ हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया अमोनिया को हम ऐसे लिखेंगे एन एच टू एच अब इसमें क्या होगा यहां से एच टू ओ क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा वाटर रिलीज होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा हमारा बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड एन एच तो इसे हम क्या बोलते हैं इमाइन कहते हैं क्योंकि हमने एस्टल लिया था तो इस प्रोडक्ट को हम एस्टल कहते हैं सेकेंड है रिएक्शन विद अमाइन हमने प्राइमरी अमाइन लिया है आर एन एच टू जो एल डी आइड है एंड कीटोन वो रिएट कर सकते हैं अमाइन के साथ बनाते हैं सब्सिट्यूटेड इमाइन इसे हम शिव बेस भी कहते हैं जैसे हमारे पास एल डी आईड है हमने आर एन एच टू लिया यहाँ से एच टू ओ क्या रिमूव हो जाएगा वाटर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड एन आर बनेगा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एन एच था डबल बॉन्ड एन आर है तो इसे हम सब्सिट्यूटेड इमाइन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे आर आ गया है इसे हम शिप्स बेस भी कहते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एल से हमारा बनता है एल सिमिलरली अगर आपने कीटोन लिया है सेम रिएक्शन होता है वाटर रिलीज होता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और इस प्रोडक्ट को हम कैटीमाइन कहते हैं थर्ड है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन जो एल एंड कीटोन है ये हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सल अमाइन होता है एन और ये ऑक्साइम्स देते हैं

वाटर रिलीज होगा कार्बन नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड एन एच टू बनेगा इस कंपाउंड को हम एस्टल डिहाइड हाइड्रोजोन कहते हैं नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रासिन एल डीड एन की फिनाइल हाइड्रासिन के साथ रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्रोजोन बनाते हैं जैसे हमारे पास एस्टल है सी एच थ्री सी एच ओ फिनाइल हाइड्रोजिन क्या होता है एन एच टू एन एच उसके साथ बेंजीन होता है ये एस्टल डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड वाटर रिलीज हो जाता है हमारा ये प्रोडक्ट बनता है ये जो प्रोडक्ट बना इसे हम एस्टल डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन कहते हैं, है, हैं। एस्टल डीट के साथीन एन एच टू एन एच बेंजीन है।, 2 और 4 पे NO2 है इसमें भी वाटर रिलीज होगा कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये एस्टल डिहाइड टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनता है अब ये जो टू फोर डी एन पी है इससे हम टू फोर डी एन पी टेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि जब ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो ये येलो ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट बनाता है जो हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए हम टू फोर डी एन पी टेस्ट करते हैं नेक्स्ट है रिएक्शन विद सेमी कार्बोसाइड एल एंड कीटोन सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं सेमी कार्बोजोन हमारे पास एचल है हमने सेमी सेमीकार्बाज़ाइड लिया है NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2 ये होता है इसमें क्या होगा वाटर रिलीज होगा कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड NHCO NH2 बनता है इसे हम सेमी सेमीकार्बाज़ोन कहते हैं अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट ये जो नाइट्रोजन है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है इसके साथ रेजोनेंस करते हैं सो एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते तो हमेशा अटैक इस नाइट्रोजन से होता है और यहाँ पे वाटर रिलीज होता है और हमारा सेमी कार्बनजोन बनता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है रिडक्शन सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन टू एल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल में हम कर सकते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम कैटलिस्ट ले सकते हैं निकल प्लेटिनम और प्लेडियम या हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने एस्टल्डिहाइड लिया है ये एल्डिहाइड है हम कुछ भी ले सकते हैं हमने यहाँ पे कैटेटिक हाइड्रोजिनेशन किया है एस टू एड किया इन प्रेजेंस ऑफ पीटी हमारा प्राइमरी एल्कोहल बन जाता है विच इज इथेनॉल सिमिलरली आपने कीटोन लिया है यहाँ पे एसीटोन लिया है. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट लिया आप कुछ भी ले सकते हो तो ये क्या करता है रिडक्शन करता है हमारा सेकेंडरी बनेगा प्रोपेन ऑल तो प्राइमरी देता है और जो कीटोन है सेकेंडरी एल्कोहल देता है जब आप उसके रिडक्शन करते हो second है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन इसमें पहला है क्लिमेंसन रिडक्शन इन दिस रिडक्शन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल एंड कीटोन जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ वो रिड्यूस हो जाता है सी एच टू ग्रुप में जब हम इसे ट्रीट करते हैं जिंक एमलगम, जिंक एमलगम होता है अलॉय ऑफ जिंक विद मर्करी एंड कंसनट्रेटेड एच हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है जैसे हमारे पास एसीटोन है सी एच थ्री सी डोल बॉन्डो सी एच थ्री जिंक एमलगम एच के साथ हमने रिएक्ट किया अब ये जो है मेटल होता है एच के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा हाइड्रोजन इसमें रिडक्शन करेगा और हमारा बन जाएगा प्रोपेन तो ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं हमारा प्रोपेन बनता है सिमिलरली आपके पास जिंक एमलगम के साथ बताइड किया तो ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाएगा दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे हमारा यहाँ पे सी एस थ्री सी एच थ्री इथेन बन जाएगा जो हाइड्रोकार्बन होता है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में सेकेंड है रिडक्शन एल्डेड एंड कीटोन जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजीन के साथ फॉलोड बाई हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हीट करते हैं इन हाई बॉलिंग सॉल्वेंट तो जो सॉल्वेंट लेते हैं उसका हाई बॉयिंग पॉइंट होता है जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल तो क्या होता है जो सी बॉन्ड ओ है वो रिड्यूस हो जाता है सी एच टू में जैसे हमने एसीटोन लिया हाइड्रोजीन के साथ हमने रिएक्ट किया तो क्या होगा यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा हमारा कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड एसीटोन हाइड्रोजोन बन गया अब हम क्या करेंगे इसे हीट करेंगे के ओ एच या हम एन एच ले सकते हैं साथ में हम लेंगे जो हाई बॉइलिंग क्या है सॉल्वेंट है इसे हीट करेंगे एज ए रिजल्ट क्या होता है याद रखना ये जो नाइट्रोजन है ये रिमूव हो जाता है एन टू गैस रिलीज होती है यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन इसे हम वॉल्फ किशनर रिडक्शन कहते हैं और इसमें भी हाइड्रोकार्बन बनता है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एज इन पेरेंट एल तो अगर आपके पास एल है आप उसे ऑक्सीडाइज करते हो तो वो ईजली क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल कार्बन तो इस कार्बोनाइल कार्बन carbon के साथ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड में ये इजली क्या हो सकता है कन्वर्ट हो सकता है ओ OH एच में उट इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड तो कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता इस हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है है एल्डिहाइड एल्डिहाइड नॉट ओनली बाय एजेंट तो जो है, वो कार्बोक्सिलइज हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग एजेंट जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम पर मैग्नेट बट ये ऑल्सो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलि रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या कर सकते हैं एल्डीहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम कीटोन की बात करें कीटोन आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर कंडीशन तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए विग्रेस कंडीशन चाहिए है मतलब क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग एजेंट चाहिए एट एलिवेटेड टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर चाहिए अगर हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो क्लीव हो सकता है मतलब वो ब्रेक हो सकता है पर हमें मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेगा जिनमें नंबर ऑफ कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होता तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता तो हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एजेंट में कार्बोन कार्बन और उसके साथ वाले कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है अल्फा कार्बन का यहां से ब्रेक हो सकता है यहां से ब्रेक हो सकता है ऑक्सीडेशन हो सकता है हमें मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेगा आर सी ओ एच आर डे सी एच टू सी ओ एच आर सी एच टू सी ओ एच आर डे सी ओ एच तो हमें जो मिक्सचर ऑफ एसिड मिला उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है एज कंपेयर टू कीटोन नेक्स्ट अगर हम बात करें जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन क्योंकि जो एल्डिहाइड है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं इसमें हमारा पहला डिस्टिंगविश टेस्ट है टॉलिंस टेस्ट टॉलिंस टेस्ट जो है उसमें हम टॉलिंस रिएजेंट लेते हैं जो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनता है वेन एल डी हाइड रिएक्ट विथ फ्रेशली प्रिपेर्ड टॉलिंस रिएजेंट तो हम फ्रेशली प्रिपेयर टॉलिंस रिएजेंट बनाते हैं एल डी हाइड जो है टॉलिंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है क्योंकि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कीटोन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा ब्राइट सिल्वर मिरर इज तो सिल्वर मिरर बनता है में और ये एन मीडियम होता है तो लिया, साथ में हमने क्या लिया है टॉलिंस रियजन उसे हम ऐसे लिखते हैं ए जी एन एच थ्री टाइस प्लस थ्राइसिव मीडियम में होता है सो तो एज ए रिजल्ट क्या होता है जो एलडीड है वो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बो ऑक्सीट एनाइन में आर सी ओ जो सिल्वर है वो क्या हो गया रिड्यूस हो गया हमारा एजी मिलेगा ये ब्राइट सिल्वर मिरर बनाता है साथ में एच टू ओ एंड एन एच थ्री तो अगर सिल्वर मिरर बन रहा है तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट हम हम बात करेंगे फेलिंग्स फेलिंग्स टेस्ट की इसमें रिएजेंट लेते हैं ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता तो फेलिंग्स रिएजेंट में ना दो सोल्यूशन होते हैं एक फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी होता है फेलिंग सोल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट फेलिंग सोल्यूशन बी होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइटरेट इसे हम रोचल सॉल्ट भी कहते हैं टू सोल्यूशन आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट बिफोर द टेस्ट तो हम फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं बिफोर द टेस्ट जैसे हम एल को इसके साथ हीट करते हैं ऑन हीटिंग एल डी हाइड विथ फेलिंग रियजेंट तो हमें मिलता है रेडिश ब्राउन प्रेसिटेट जो एलडीहाइड है वो क्या होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बो ऑक्सीट में तो हमारे पास एल है हमने फेलिंग सोल्यूशन लिया है ट्वेल सी यू टू प्लस फाइव ओ एच नेगेटिव तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है आर सी ओ, ओ नेटिव कार्बन ऑक्सीड एनाइन बनाता है साथ में हमारा क्यूप्रस बनता है, सी यू टू ओ ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनाना इसी के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं साथ में वाटर रिलीज होता है अगर आपके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल अब फेलिंग टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है जैसे बेन्हाइड है वो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि काफी ज़्यादा वीक एजेंट होता है, तो लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन और जो कीटोन है कार्बोन कार्बन एटम जो है सी बॉन्ड ओ उसके साथ एटलीस्ट एक सी एच थी ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एलडिया और किटोर में तभी वो रिएक्शन शो करते हैं ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय सोडियम हाइपोहेलाइड और ये बनाते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन लेस कार्बन और जो मिथाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है हैलोफॉर्म में विच इज सी एच एक्स थ्री एग्जाम्पल से देखते हैं हमारे पास है आर सी डल बॉन्ड ओ सी एच थ्री तो कार्बोन कार्बन के साथ एक सी एस सी ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होता है हम रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ विच इज एन एक्स एक्स क्या हो सकता है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो सकता है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा इसे ऑक्सीडाइज कर देगा हमारा ये बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे बनेगा अगर आप नंबर ऑफ कार्बन देखोगे ना इसमें सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें वन कार्बन लेस है एज कम्पेयर टू दिस और ये जो सी एच थ्री है ये किसमें कन्वर्ट हो गया है सी एच एक्स थ्री इसे ही हम हेलोफॉर्म कहते हैं सी एच एक्स थ्री अगर क्लोरीन है तो ये सी एच सी एल थ्री होता है विच इज क्लोरोफॉर्म अगर ब्रोमीन है तो सी एच बी आर थ्री होता है ब्रोमोफॉर्म और अगर आयोडीन है तो ये सी एच आई थ्री होता है विच इज़ आइडोफाम ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सपोज ये जो आर ग्रुप है कार्बन की चेन है डबल बॉन्ड होता तो ऑक्सीडेशन उसको अफेक्ट नहीं करता इसमें अब हम बात करेंगे आइडोफॉम टेस्ट की आइडोफाम टेस्ट में हम एक्वस एन लेते हैं साथ में आई लेते हैं आई लेते हैं हमारा बनता है एन ए ओ आई विच इज सोडियम हाइपोहाइडाइट हमने लिया कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री तो ये रिएक्शन शो करेगा एन ए ओ आई के साथ कभी कभी क्वेश्चन में एन एस प्लस आई टू भी दिया होता है तो वो सेम बात है तो ये सोडियम हाइपो आइड्राइट बनाता है इसमें इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी हमारा बनेगा आर सी डबल बॉन्डो ओ एन ए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू दिस क्या हो जाएगा एक कार्बन लेस होगा जो सी एच थ्री है ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच आई थ्री इसे आइडोफॉर्म कहते हैं और ये येलो प्रेसिपिटेट देता है अगर येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है तो मतलब जो हमारा कंपाउंड है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ सी एस सी ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्यों करता, करता है, तो है, तो है। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सी एस थ्री सी डल बॉन्ड ओ में तो विद इन द रिएक्शन ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सी एस थ्री सी डल बॉन्ड ओ और ये रिएक्शन शो करता है तो अगर आप ये लोगे तब भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा हमें एग्जाम्पल दिया है ट्वेल्व पॉइंट फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया ए विद मोलिकुलर बनाता है ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद तो ये 2, DNP के साथ रिएक्ट कर सकता है ये देता है ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट तो ये जो कंपाउंड होगा ना इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा मतलब ये एल डी एड या किटोन में से एक कंपाउंड हो सकता है ठीक है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है सेकेंड दिया है हमें तो NaOH I2 के साथ ये कर सकता है मतलब आइडोफॉर्म के तो इसमें सी एस थ्री सी ओ ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है तो ये ग्रुप प्रेजेंट होगा कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे नेक्स्ट इट नाइदर रिड्यूस टॉलिन और फेलिंग सोल्यूशन ना तो टॉलिन रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है मतलब ये एल नहीं होगा तो ये कंपाउंड क्या होगा अगर एल नहीं है तो ये किटोन होगा क्योंकि हमें पता कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए तो ये किटोन होगा नेक्स्ट है नॉट डी कलराइज ब्रोमिन वाटर और बियर रियजेंट ये डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमिन वाटर और बियर रियजेंट मतलब ये ना एल्कीन नहीं होगा जो एल्किस होते हैं ब्रोमिन वाटर और बियर स्टेजेंट को डीकलराइज कर लेते हैं ठीक है तो अगर हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे तो कंपाउंड क्या है सी एट एच एट ओ जिसमें दो कार्बन होंगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ बाकी अगर सिक्स कार्बन देखेंगे तो वो क्या होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए तभी हमारा जो फॉर्मूला है वो सही होगा तो इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग होगा उसके साथ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ होगा तभी ये सी एट एच एट ओ बनेगा तो ये जो कंपाउंड होगा ए कंपाउंड एसिटोफिन होगा अगर हम एस्टोफिनोन की रिएक्शन की बात करें तो यह टू फोर डाय नाइट्रोफिनाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा रिलीज होगा वाटर रिलीज होगा हमारा डबल बॉन्ड बनेगा और ये कंपाउंड टू फोर डी एन पी डेवेटिव हमारा बनेगा जिसका ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट होता है नेक्स्ट अगर हमने देखा यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड तो अगर आपने एच लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा इसका फॉर्मूला होगा C7H6O2 और साथ में अगर हम बात करें आइडोफॉर्म टेस्ट की NaOH I2 के साथ आप रिएक्ट करोगे तो हमारा सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड साथ में CHI3 बनेगा जो आइडोफॉर्म होता है फोर्थ है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एलडीआईड एंड किटोन एल डी आइड एंड किटोन में ये जो हाइड्रोजन है ये ईजिली रिमूव हो जाता है तो इसे हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एलडीआईड एंड किटोन द एल डी आइड एंड किटोन अंडर गो ए नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है ईजिली रिमूव हो जाता है तो इसकी वजह से एल डी आइड एंड किटोन बहुत सारी रिएक्शन देते हैं द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनइल कंपाउंड ज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड इफेक्ट ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग नेचर होता है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है सो एज रिजल्ट शिफ्ट हो जाते हैं ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना ईजी हो जाता है तो जो बेस है ना वो इजली क्या कर सकता है यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ये हाइड्रोजन को रिमूव करना ईजी होता है और सेकेंड रीजन है रेजिडेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस क्योंकि अगर यहां से हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे तो यहां पे रेजोनेंस होता है तो कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सो तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होती है स्टेबलाइज हो जाती है अगर स्टेबल हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो जो H प्लस है वो इजिली रिमूव हो जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास एलडीआई और कीटोन होना चाहिए जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए तो वो रिएक्शन शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली जो डाइल्यूट अल्कली है वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है तो जो एलडीआईड है वो बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एलडीहाइड इसे एल्डोल कहते हैं और जो कीटोन है वो बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसे किटोल कहते हैं और ये एल्डोल रिएक्शन होता है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें हमारे पास इथेनल है इथेनल होता है सी एच इसमें जो अल्फ़ा कार्बन है फंक्शनल रूप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन इस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन शो करेगा हमारे पास दो मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिख लिया सी एच टू एच सी एच ओ डूट एन एच लिया अब डाइल्यूट एन क्या है अल्कली है OH नेगेटिव इसमें रिलीज होगा वो एज ए बेस काम करेगा वो क्या करेगा अल्फा कार्बन में से ना हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक होता है ईजली ये रिमूव कर सकता है बेस तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बोनाइल कार्बन पे ये अटैक करेगा क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन इस पर अटैक करेगा इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा सोल्यूशन में से एच प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच ओ एच तो हमारा बन गया सी एच थ्री सी एच ओ एच इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया सी एच टू सी एच ओ तो ये जो कंपाउंड बना इसे हम थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कहते हैं तो ये एल्डोल होता है वन टू तो थ्री थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसे हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं क्योंकि ये अल्फा कार्बन है बीटा कार्बन है बीटा कार्बन पे ओ एच ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल भी इसे हम कहते हैं अब ये जो एल्डोल नेम है ये कैसे आया ये एल और एल्कोहल को कंबाइन करके आया एल का ए एल डी एल्कोहल का ओ एल से कंबाइन करके एल्डोल नेम आया अगर अब इसे हम हीट करें ना तो हीट करने से वाटर रिलीज होता है यहाँ से ओ एच और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है वाटर रिलीज होता है डबल बॉन्ड आ जाता है नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर तो ये बन जाता है ब्यूट टू इन एल ठीक है तो एल्डोल जो है वो लूज करता है वाटर जब आप इसको हीट करते हो और हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड तो ये अल्फा कार्बन है बीटा कार्बन है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड भी कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड और ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे कीटोन की हमारे पास प्रोपेनॉन है इसमें भी अल्फा जो कार्बन है ना उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये भी रिएक्शन शो करेंगे हमारे पास दो कीटोन है दो प्रोपेनॉन है इसे हमने हमने ऐसे लिखा डबल बॉन्ड ट्वाइस लिया तो इसमें से ओ एस नेगेटिव रिलीज होगा क्योंकि ये अल्कली है तो ओ एस नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा जो सी एच टू है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा इस कार्बन पर अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन क्या करेगा सोल्यूशन में से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे OH बनाएगा तो हमारा बन जाएगा सी एच थ्री कार्बन के साथ OH एच इस सी एच थ्री को हम यहाँ लिख लेते हैं ये सी एच टू इसके साथ जुड़ गया ये हमारा प्रोडक्ट बन गया इसे हम फोर हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल पेंटेन टू ऑन भी कहते हैं और ये कीटोल भी होता है नाम कीटोल कहाँ से आया किटोन और एल्कोहल को कंबाइन करके किटोल नाम आया

चाहे एलडीड है चाहे कीटोन है ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दोनों केस में हमने नाम सेम रखा है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है ना इसका नेम जो है सेम होगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा इसे हम अल्फा बीटा अनसेल कंपाउंड कहते हैं तो अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा बीटा कंपाउंड होता है तो चाहे एल या कीटोन है तो फाइनल प्रोडक्ट को हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं सेकेंड हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की इसमें हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ एल और आइड ले सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट हमें मिलता है हमने इथेनल प्रोपेनल लिया है दोनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एन के साथ रेड किया फिर हमने हीट किया तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा पहले वाले में क्या होगा दो इथेनल के मॉलिक्यूल कंबाइन कर सकते हैं तो हमारा बनेगा ब्यू टू इन अल क्या हो सकता है दो प्रोपेनल के मॉलिक्यूल क्या कंबाइन कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट बनेगा टू मिथाइल पेंट टू इनल तो ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है क्रॉस में क्या हो सकता है प्रोपेनल में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ये इस पर अटैक करके इसके साथ कंबाइन करेगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा टू मिथाइल ब्यू टू इनल यहाँ क्या हो सकता है इथेनल में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ इस इसपे नेगेटिव चार्ज इस इसपे अटैक किया हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा पेंट टू इनल तो इसे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजल की। बेंजल डिहाइड डिहाइड एंड की में अगर आप अल्फा कार्बन देखोगे ना ये अल्फा कार्बन है ऑलरेडी चार बॉन्ड है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है प्लस एसिटोफिनोल में इस कार्बन को देखोगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा ये इस कार्बन पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे सोलूशन से ये H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ पे OH आएगा ये CH2 एच यहाँ पे जुड़ जाएगा हीट करेंगे हम 293 नाइनटी कैलविन पे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री तो ये हो जाएगा डाइफिनाइल इन ऑन और इस कंपाउंड को हम बेंजल एसिटोफिन भी कहते हैं फिफ्थ है अदर रिएक्शन इसमें पहला है कैनिजारो रिएक्शन एल डी हाइड विच डो नॉट अल्फा हाइड्रोजन एटम तो कैनिजारो रिएक्शन वो एल डी आइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता तो इसमें क्या होता है जो एल डी आइड है ना अंडर गो करता है सेल्फ ऑक्सीडेशन तो वो खुद ऑक्सीडेशन करता है एंड रिडक्शन करता है साइमटेनियसली इसे हम डिसपोशनेशन रिएक्शन कहते हैं अगर हम इसे हीट करें कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ तो एक मॉलिक्यूल ऑफ जो एल है वो रिड्यूस हो जाता है एल्कोहल में और जो अदर मॉलिक्यूल है वो क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे फॉर्मल है तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है इसके साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है तो ना इसमें अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है कंसेंट्रेटेड के ओ एच लिया हीट किया दो मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में मिथेनॉल में और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा यहाँ इसे हम पोटेशियम फॉर्मेट कहते हैं नेक्स्ट हमने बेंजल डिहाइड लिया यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप है इसके साथ वाला क्या है अल्फा कार्बन है बट ऑलरेडी इसमें चार बॉन्ड है तो इसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है कंसेंट्रेटेड एन के साथ हमने हीट किया जो अल्कली है तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा बेंजाइल बेन्हल में और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में और सोडियम बेंजोएट में सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन है दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्सिट्यूशन तो वो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्सिट्यूशन करते हैं

जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग से ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसे हम माइनस आर इफेक्ट कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आया अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज देखोगे ना तो ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आ रहा है सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियट होता है तो वो ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ना अटैक करेगा मेटा पोजिशन पे क्योंकि यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है तो ये जो ग्रुप है बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो ये डीएक्टिवेटिंग है साथ में टू सेवन टू टू एलविन तो एज तो ए रिजल्ट एनओ टू मेटा पोजिशन पे जुड़ जाएगा हमारा बनेगा नाइट्रो बेंजल डिहाइड नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन ट्वेल्व पॉइंट फोर की अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमें अरेंज करना है इन न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले है इथनल प्रोपेनल प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन याद रखना न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है एक है स्टेरिक इफेक्ट अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा है ना जो कार्बोनाइट ग्रुप के साथ अटैच है तो वह होना स्टेरिक इफेक्ट कॉज करता है न्यूक्लोफाइल के अटैक को डिफिकल्ट करता है क्योंकि जो आर ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो आर ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करता है तो कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम कर देता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक को डिफिकल्ट कर देता है सबसे कम रिएक्टिव होगा ब्यूटेनॉन क्योंकि यहाँ पे हमारे दो आर ग्रुप है सी एस थ्री सी एच थ्री सी एच टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं स्टेरिक इफेक्ट भी कॉज करते हैं और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को भी कम करते हैं उसके बाद रिएक्टिव होगा प्रोपेनॉल यहाँ पे सी एस थ्री सी एस टू था यहाँ पे सिर्फ सी एच थ्री है तो इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है इससे कंपैरिजन में कम होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट भी इसका कम होगा यहाँ पे अगर आप देखो प्रोपेनल में सिर्फ एक ही आर ग्रुप प्रेजेंट है तो स्टेरिक इफेक्ट भी कम होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट भी इसका क्या होगा कम होगा एज कंपेयर टू प्रोपेनॉन और लास्ट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव इथेनल है क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप था बड़ा था इसका स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा था इसका स्टेरिक इफेक्ट सी एच थ्री का क्या होगा कम होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट भी इसमें कम होगा तो इसमें न्यूक्लोफाइल का अटैक सबसे ज्यादा ईजी होगा सेकेंड है बेंजल डिहाइड एंड तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सबसे कम रिएक्टिव होगा एसिटोफिन तो क्योंकि ये कीटोन है सी एच थ्री ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है स्टेरिक हिंड्रेंस भी कॉज करता है कार्बनइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम करता है तो इस इसपे न्यूक्लोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होगा नेक्स्ट है पैराटोल्यू एलडीहाइड सी एच ओ है और पैरा पोजिशन पे सी एच थ्री ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कार्बोन कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो डिफिकल्ट होता है बट इसमें क्या होता है एज कंपेयर टू स्टेरिक इसमें कम होती है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी होता है एज कंपेयर टू एसिटोफिनोन नेक्स्ट है बेंसल डिहाइट बेंसल डिहाइट पर कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पैरा

तो यहाँ से एच टू ओ रिमूव हो जाता है वाटर रिलीज होता है नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड एनओ एच बनता है जिसे हम ऑक्साइड कहते हैं नेक्स्ट साइक्लो है यहाँ पर टू फोर डी एन पी है डाय नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोसिन तो यहाँ से एच टू ओ रिमूव हो जाएगा डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड एन एन एच तो ये कंपाउंड बनता है इसे टू फोर डाय नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोसोन कहते हैं नेक्स्ट हमें कंपाउंड दिया आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ और ये है सेमी कार्बोसाइड याद रखना डबल बॉन्ड जो है वो क्या रहता है इसमें रिटेन रहता है इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती अब सेमी कार्बोसाइड में न, ना नाइट्रोजन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है बट यहाँ नाइट्रोजन से अटैक होता है क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है ये सीओ के साथ क्या रेजिडेंस करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है यहाँ से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है एन एन एच सी डबल बॉन्ड एन एच टू इसे सेमी कार्बाजोन कहते हैं हमारे पास है सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू एच प्लस ये कंपाउंड दिया हुआ है कीटोन दिया हुआ है ये हमारा इथेन अमाइन है यहाँ से एच टू ओ क्या रिमूव हो जाएगा नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन्हें हम यूज कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट स्टार्टिंग मटेरियल मतलब इनिशियली हम इन्हें लेके प्रोडक्ट बना सकते हैं रिएजेंट यूज करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मल डिहाइड की बात करेंगे अगर फॉर्मल डिहाइड सिर्फ 40 परसेंट प्रेजेंट है सोल्यूशन में तो वो फॉर्मलिन होता है और इससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमन इसे हम बेकलाइट बना सकते हैं बेकलाइट क्या होता है फिनोल फॉर्मल डिहाइड रेजिन उसका पॉलीमर होता है इसके काफी ज्यादा यूज होते हैं सॉकेट बनाने में काम करता है यूरिया फॉर्मल डिहाइड ग्लू तो यूरिया फॉर्मल डिहाइड के पॉलीमर से हम ग्लू बना सकते हैं अगर एस्टल डिहाइड की बात की जाए तो इससे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एसिटिक एसिड इथाइल एसिटेड विनाइल एसिटेड पॉलिमर्स एंड ड्रग्स जो बेंजल डिहाइड परफ्यूमरी इससे परफ्यूम बना सकते हैं या डाइज इंडस्ट्री कलर्स कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को यूजिंग बेंजल डिहाइड अगर हम बात करें एसिटोन एंड इथाइल मिथाइल कीटोन की ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिजोल्व कर सकते हैं ब्यूटेर एल्डिहाइड वैनिलिन एसिटोफिनोल कैम्फर जो है ये ऑर्डर एंड फ्लेवर के लिए इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है सी ओ ओ एच फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उन कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना ये किसका बनता है कार्बोनाइट ग्रुप सी बॉन्ड ओ एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच ग्रुप तो दोनों को कंबाइन करके इसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एलिफेटिक हो सकते हैं स्ट्रेट चेन और ये एरोमेटिक हो सकते हैं डिपेंड करता है जो सी ओ ओ एच ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है अगर वो एलिफेटिक एल्काइल चेन स्ट्रेट चेन के साथ अटैच है तो वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और अराइल ग्रुप मतलब एरोमेटिक रिंग है जैसे बेंजीन रिंग के साथ अगर सी ओ ओ एच ग्रुप अटैच है तो वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हायर मेंलीफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो हायर जिसमें ज्यादा होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे C12 से C18 तो उन्हें हम फैटी एसिड कहते हैं एग्जाम्पल है पालमिटिक एसिड ये होता है C15H31COOH तो इसे हम क्या बोलते हैं फैटी एसिड कहते हैं तो लॉन्ग चेन ऑफ इसमें कार्बन होता है अब ये जो फैटी एसिड है दे अक्कर इन नेचुरल फैट तो नेचुरल फैट में ये प्रेजेंट होते हैं एज एस्टर ऑफ ग्लिस्टर तो फैटी एसिड क्या करते हैं ग्लिसरॉल जो एक तरह का एल्कोहल होता है तो उसके साथ वो एस्टर बनाते हैं और ये नेचुरल फैट में एस एस्टर रहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव भी होते हैं उनकी भी हम बात करेंगे जैसे एनहाइड्राइड एस्टर एसिड क्लोराइड एंड अमाइड्स नेक्स्ट है नॉर्मन क्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आइसोलेट किए गए थे फ्रॉम नेचर

ब्यूटायरिक एसिड होता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ एच फ्रॉम रेंचिड बटर जब बटर की ऑक्सीडाइशन हो जाती है वो खराब हो जाता है उसमें स्मेल आ जाती है तो उसमें ना ब्यूटायरिक एसिड प्रेजेंट होता है तो इसका जो नाम है डिराइव किया गया है ब्यूटायरम आई यू पी एस सी नोमक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक सी ओ ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसे हम नेम करते हैं एल्कनोइ एसिड जो E है हैडिंग एल्केन का जो एल्केन का E है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं एसिड से जैसे हमारे पास है एच सी ओ ओ एच ये क्या होता है मिथेनॉइक एसिड तो मिथेन के E को हमने रिप्लेस कर दिया ऑइक एसिड से सिमिलरली सी एच थ्री सी ओ ओ एच तो इथेन के E को रिप्लेस कर दिया ऑइक एसिड से दो कार्बन है तो ये इथेनॉइक एसिड होगा अगर सपोज दो सी ओ ओओ एच ग्रुप प्रेजेंट है दो ग्रुप प्रेजेंट है तो बोध ग्रुप आर टू बी काउंटेड इन द चेन तो दोनों ग्रुप को हम काउंट करेंगे चेन में और एल्केन के ई को हम रिटेन करेंगे जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है नंबरिंग करेंगे one, two, three, तो दोनों ग्रुप को हम रिटेन करेंगे अब कैसे लिखेंगे इसका नाम हम लिखेंगे प्रोपेन प्रोपेन तीन कार्बन है डाई एसिड लिख सकते हो या डाई एसिड लिख सकते हो क्योंकि हमें पता है अगर दो ये ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम इसे प्रोपेन डाई ऑयक एसिड भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है उससे ज्यादा ये ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन एटम ऑफ द कार्बनसेल ग्रुप आर नॉट टू बी काउंटेड इन द चेन तो उस कार्बन एटम को हम काउंट नहीं करेंगे सी ओ ओ एच ग्रुप के जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन ग्रुप है अगर आप नंबरिंग करोगे सपोज वन टू थ्री फोर फाइव ये इग्नोर हो जाएगा वन टू थ्री फोर तो ये इग्नोर हो जाएगा बट तीनों ग्रुप को ना इक्वल प्रेफरेंस मिलना चाहिए तो हम कार्बन की चेन का नंबरिंग करेंगे तो ये जो ग्रुप है ना ये चेन का पार्ट नहीं होंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे तीन कार्बन है प्रोपेन ई e को रिटेन करेंगे one, two, three. तो अगर हम इसे चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे ना ग्रुप को तो हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेन येगाक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर है एच सी ओ एच कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है आई यू पी नेम मेथे एसिड क्योंकि एक कार्बन होता है दो कार्बन का सी एच थ्री सी ओ ओओ एच कॉमन नेम एसिटिक एसिड है और आई पी एसिड है तीन कार्बन का होता है प्रोपियोनिक एसिड इसे प्रोपेनोइक एसिड भी कहते हैं चार कार्बन का होता है ब्यूटायरिक एसिड इसे हम ब्यूटेनोइक एसिड भी कहते हैं अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे सी एच के साथ दो सी एच थ्री जुड़े हैं सी ओ एच इसे आईसो ब्यूटैरिक एसिड कहते हैं या टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं अगर सी ओ ओओ एच सी ओ एच है तो इसे ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं और इथेन डाइ एसिड नेक्स्ट है सी ओ ओ एच सी एच टू सी ओ ओ एच इसे मेलोनिक एसिड कहते हैं और प्रोपेन डायोइक एसिड नेक्स्ट है सी ओ ओ एच सी एच टू सी ओ एच चार कार्बन है सक्सीनिक एसिड ब्यूटेन डायोइक एसिड और यहाँ पे है सी ओ ओ एच सी एच टू सी ओ एच पाँच कार्बन है ग्लूटारिक एसिड और पेंटिन डाई एसिड अगर इसमें देखेंगे दो सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं तो नंबरिंग में हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं होती तो डायरेक्टली हम डाई एसिड लिख सकते हैं नेक्स्ट है सी ओ एच सी एच टू फोर सी ओ एच सिक्स कार्बन है इसे एडिपिक एसिड कहते हैं और हेग्जेन डाई एसिड बैनजीन के साथ सी ओ एच है तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई नेमिंग में ये बेंजीन है इसके साथ ये ग्रुप जो है अटैच है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं और इस केस में जो कॉमन नेम है ना बेंजोइक एसिड उसे हम आईयूपीएसी नेम भी यूज कर सकते हैं इस कंपाउंड को देखेंगे साइड चेन पे सीओओएच ग्रुप प्रेजेंट है तो याद रखना यहाँ पे बेंजीन ना सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है अगर यहाँ पे साइड चेन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 तो इसे फिनाइल एसिटिक एसिड एसेट कहते हैं और 2 फिनाइल एथनोइक एसिड कहेंगे अगर बेंजीन के साथ सी ओ एच ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे दो अटैच है तो इसे थैलिक एसिड कहते हैं और बेंजीन वन टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं नेक्स्ट है इन टेक्स क्वेश्चन ट्वेल्व पॉइंट फाइव गिव द आई यू पी एस सी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हमें दिया पी एच सी एच टू सी एच टू सी ओ एच पी एच के होता है फिनाइल ग्रुप होता है अब याद रखना जो फंक्शन ग्रुप है यहाँ प्रेजेंट है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे वन टू थ्री ये क्या हो जाएगा सब्सिटेंट हो जाएगा लिखेंगे थ्री फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड नेक्स्ट दिया हुआ है सी एच थ्री ट्वाइस सी डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है चार कार्बन है ब्यूट सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इन फर्स्ट पोजीशन में ऑइक एसिड नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एलिसाइक्लिक कंपाउंड सी ओ ओ एच सी एच थ्री नंबरिंग करेंगे वन टू तो लिखेंगे टू मिथाइल अब एलिसाइक्लिक में हम पहले लिखते हैं साइक्लोपेंटेन पांच कार्बन है सिंगल बॉन्ड है साइक्लोपेंटेन और लास्ट में हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है तो ये हो जाएगा इसका नाम नेक्स्ट दिया हुआ है यहां पे सी ओ ओ एच है एनओ टू एन ओ टू एनओ टू आप नंबरिंग कहीं से भी करो तो सेम आता है नंबरिंग स्टार्ट यहां से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां से करते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हमारा बन जाता टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो बेन्क एसिड बेंजीन के साथ सी ओ ओ एच है तो ये टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो बेन्क एसिड है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप द बॉन्ड टू द कार्बोक्सिल कार्बन लाई ऑन द सेम प्लेन अब ये जो कार्बोक्सिल कार्बन है ना ये एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे एक सिग्मा, पे एक सिग्मा एक पाई तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है sp2 ये हाइब्रिडाइज होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है ट्राइगोनल प्लेनर तो ये एक ही प्लेन में होता है बॉन्ड एंगल होता है इसमें 120. अब ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है इट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द दर्बोनइल कार्बन कार्बोनाइल कार्बन किस में होता है एल्डिहाइड और कीटोन में ये हमने पढ़ा था इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल इजली अटैक कर सकता है बट ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है ना ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होता है सो so, का अटैक इसमें नहीं होता इसका रीजन है resonance. अब इसमें ना हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जाएंगे ना तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहा है यहाँ पे मूव करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है जो कार्बन है ना उसे यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और इसका जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है एज कम्पेयर टू कार्बोनाइल कार्बन और हम कहते हैं जो कार्बॉक्सिलिक कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बोनाइल कार्बन नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सलिक एसिड पहला है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल डी हाइड जो प्राइमरी एल्कोहल है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बॉक्सलिक एसिड में हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना चाहिए एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटेशियम पर मैगनेट के एम एन ओ फोर इसे हम एसिडिक एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में ले सकते हैं पोटेशियम पर मैगनेट को पोटेशियम नॉर्मली इसे हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड सी आर ओ थ्री इन एसिडिक मीडियम याद रखना जो एनहाइड्रस आर ओ थ्री है ना वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बट सी आर ओ थ्री इन एसिडिक मीडियम जब एच प्लस इसके साथ है तो ये स्ट्रॉन्ग एजेंट है इसे हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं तो अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया किसी को भी आप ले सकते हो आपने यहाँ पे अल्कलाइन के एमेनोफोल लिया हाइड्रोलिस किया तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है सिमिलरली अगर आपने एल लिया और स्ट्रॉन्ग एजेंट लिया कोई भी तो एल डी भी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और अगर एल की बात करें ना तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसे ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं जैसे टॉलिंग रिएजेंट रिएजेंट तो ये भी क्या करेंगे एल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे सेकेंड है फ्रॉम एल्काइल बेनसिन ये जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे बेंजोइक एसिड इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय बायोविक्रेस ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जैसे क्रोमिक एसिड acid और एसिडिक और एल्कालाइन पोटेशियम पर जो साइड चेन है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ चाहे लेंथ कितना भी बड़ा हो साइड चेन का वो कन्वर्ट हो जाता है सी ओ ओ एच ग्रुप में जैसे हमारे पास टोलिन है KMnO4 KOH लिया ये अल्कलाइन मीडियम है तो KOH लिया हीट किया हमें पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा हमने हाइड्रोलीसिस किया तो हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा नेक्स्ट अगर देखोगे यहां पे साइड चेन बड़ा है 3 कार्बन है जब आप इसको क्या करोगे ऑक्सीडाइज करोगे हीट करोगे स्टिल आपको ना पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा चाहे कितना बड़ा चेन क्यों ना हो तो आपको पोटेशियम बेंजोएट ही मिलता है पे आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा थर्ड प्रेपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स जो नाइट्राइल्स हैं सबसे पहले वो ना हाइड्रोलाइज हो जाते हैं अमाइड में देन टू एसिड उसके बाद वो हाइड्रोलाइज होते हैं एसिड में

बट अगर आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया है ना तो ये फर्दर क्या होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस हमारा एसिड बनता है तो पार्शियल ऑफ नाइट्राइल में अमाइड बनता है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमारा एसिड बनता है नेक्स्ट हमारे पास है इथेन अमाइड इथेन सी एच थ्री सी ओ एन एच टू तो ये अमाइड है हमने हाइड्रोलिस किया है इसको हीट किया तो हमारा बन जाता है इथिक एसिड प्लस एन एच थ्री सिमिलरली हमारे पास क्या है बेंजा अमाइड यह भी एक अमाइड है Hydolysis किया हीट किया तो हमारा बेंजोइक एसिड बन जाता है साथ में NH3 बन जाता है फोर्थ प्रेपरेशन है फ्रॉम ग्रिक्ड रिएजेंट जो ग्रिक्नोड रिएजेंट no है वो रिएट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है सबसे पहले बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम क्या करते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की एसिडिफिकेशन करते हैं विद मिनरल हमारे पास रिएजेंट है 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 ये क्या है हमारा ड्राई आइस की फॉर्म में सीओ टू है अब इसमें क्या होगा आर पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे ठीक है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है तो आर सी डोलबोंडो अब ये जो एम जी एक्स है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया हमने क्या किया एसिडिफिकेशन किया मिनरल एसिड के साथ उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा हमारा एसिड बन जाएगा हमने लिया है यहाँ पे सी एच थ्री एम जी बी आर सीओ टू लिया हुआ है ड्राई लिया तो सी एस थ्री इस कार्बन पे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे एम जी बी आर इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा हमारा बनेगा सी एच थ्री सी डलबोंड ओ ओ एम जी बी आर एसिडिफिकेशन करेंगे एच थ्री ओ प्लस हमारा यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा बनेगा सी एच थ्री सी ओ एच एसिटिक को देखते हो ना ये हमें एसिड देता है, जो था, था, रिएजेंट रिएजेंट ना, आप किससे बना सकते हो एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हो तो जो स्टार्टिंग मटेरियल था और जो एंडिंग है ना हमारा एसिड उसमें देखोगे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं इसमें इंक्रीज हो रहे हैं फिफ्थ है फ्रॉम एसाइल हेलाइट हेलाइट को हम एसिड हेलाइट भी कहते हैं यह होता है -N -N anhydride क्या होते हैं हैं इसे हम एसिड भी कहते हैं. दो एसिड जब कंबाइन करते हैं ना और वाटर रिलीज करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम एसिड एन कहते हैं इसे हम आर सी ओ टाइस ओ भी लिखते हैं सबसे पहले हमने क्या लिया एसिड क्लोराइड लिया आर सी ओ सी एल इसे हमने हाइड्रोलाइज किया वाटर के साथ वाटर के साथ हाइड्रोलिस की हमें करोस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा एसिड मिल जाएगा आर सी ओ एच प्लस सी एल नेगेटिव और रेडली हाइड्रोलाइज विद एक्वस बेस अगर आप चाहते हो ये रिएक्शन फास्टर हो तो हम ओ एच नेगेटिव के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और हमें मिलता है कार्बोक्सिलेट आयन अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन मिला ना इसको हम क्या करते हैं एसिडिफाइड करते हैं मिनरल एसिड ऐड करते हैं तो एच थ्री ओ प्लस लेते हैं तो इसमें से एच प्लस जो है इसके साथ कंबाइन करके हमें एसिड देता है आर सी ओ एच नेक्स्ट हमारे पास है एनहाइड्राइड एनहाइड्राइट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग एसिड विथ वाटर हमें पता है दो एसिड के कॉम्बिनेशन से एनहाइड्राइट बनता है तो अगर आप एनहाइड्राइट की हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो आपको एसिड वापस मिल जाता है जैसे है बेंजॉइक एनहाइड्राइट सी सिक्स एच फाइव सी ओ टाइस ओ तो ये दो बेंजॉइक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो तो आपको दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजॉइक एसिड मिलता है नेक्स्ट है बेंजॉइक इथनॉइक एनहाइड्राइट तो ये जो है ना सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री तो ये बेंजोइक एसिड इथेनोइक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है तो हाइड्रोलिस पे ये क्या दे देगा बेंजोइक एसिड सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ एच साथ में इथेनोइक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच सिक्स प्रेपरेशन है फ्रॉम एस्टर जो एस्टर है ना ये कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से बनता है तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिस करो ना तो आपको वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिल जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस की है तो याद रखना जो एस्टर होता है ये आर सी ओ वाला जो पार्ट होता है ना ये हमें क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड देता है तो ये हमें दे देगा बेंजोइक एसिड और ये वाला जो पार्ट होता है ओ आर वाला पार्ट सी टू एच फाइव ओ तो ये हमें दे देता है एल्कोहल इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है हमें इथेनॉल मिल जाएगा अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन फास्टर हो तो आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हो बेसिक हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बॉक्सिलेट मिलेगा जो फर्दर एसिडिफिकेशन में कार्बॉक्सलिक एसिड देगा हमारे पास यहाँ पे है इथाइल ब्यूटनोएट ठीक है आपने क्या किया बेसिक हाइड्रोलिसिस की एन की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस की तो ये जो वाला जो पार्ट है ना सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ पार्ट ये बन जाएगा हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बिटेनोइक एसिड अब एसिड ऐड करेंगे तो जो आपने एसिडिफिकेशन किया ना तो उसमें ये बन जाएगा बिटेनोइक एसिड हम मिनरल एसिड लेंगे

जैसे के टू सी आर टू ओ सेवन इन एसिडिक मीडियम तो हमारा बन जाएगा दिया है, ये है, हमें बनाना है अगर आप देखोगे ना इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे है इंक्रीज हो रहे है जब भी कार्बन इंक्रीज हो रहा होता है ना तो हमें ना कहीं केसियन ऐड करना है तो केसियन से हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे ये जो ओ OH एच है पी सी एल फाइव के साथ रिएक्ट करेंगे हमारा बन जाएगा सी एच टू सी एल इसमें हम क्या कर सकते हैं के सी एन एड कर सकते हैं सी एन एक्टिव क्या करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा हमारा बना देगा सी एच टू सी एन तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें पता है जो ये नाइट्राइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है हमारा बन जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड थर्ड है थ्री नाइट्रोब्रोमोबेंसिन इसे हमें कन्वर्ट करना है थ्री नाइट्रोबेक एसिड में ठीक है अब यहां पे हमें क्या करना है इस बी आर की जगह हमें सी ओ ओ एच एड करना है तो हम क्या करेंगे मैग्नीशियम ईथर के साथ इसे रिएक्ट करेंगे हमारा ना ग्रिग्नोट रियजेंट बन जाएगा ये बन जाएगा एम जी बी आर अब इस पे ना डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा हम सीओ टू लोएंगे तो ये सीओ टू पे अटैक करेगा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे हमारा क्या बन जाता है ग्रिग्नोट रियजेंट बना देता है

सिमिलरली जो कीटोन है ना अगर ड्रास्टिक कंडीशन है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हमारा बनेगा सी ओ ओ के सी ओ के एसडीफिकेशन पे यहाँ पे दोनों जगह सी ओ ओओ एच जुड़ जाएगा हमारा बेंजीन वन फोर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा नेक्स्ट है साइक्लोहेगजीन दिया हुआ है हमें हेक्सेन वन सिक्स डाई ऑयक एसिड में कन्वर्ट करना है अगर हम ना के साथ हीट करते हैं ना तो याद रखना ये जो डबल बॉन्ड है ये भी क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है और इस जगह पे याद रखना क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ठीक है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहां पे सीओओ एच ग्रुप जुड़ जाता है हमारा बन जाता है तभी होता है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नेक्स्ट है ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइ एसिड तो ब्यूटेल एल्डिहाइड है इससे ब्यूटोइक एसिड हम बना सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग एजेंट ले सकते हो जैसे के 4, K2, C2, O7, और आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो जैसे रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपका ब्यूटेइक एसिड बन जाएगा है, इंटेक्स क्वेश्चन ट्वेल्व पॉइंट सेवन शो हाउ ईच कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड हमें कंपाउंड दिया है हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है सबसे पहले हमारे पास इथाइल बेंजीन है हमने क्या किया केमेनो फोर केओ एच के साथ हीट किया चाहे कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो तो यह हमेशा क्या बनाएगा पोटेशियम बेंजोएट बनाएगा ठीक है उसके बाद आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिस करोगे तो यह बना देगा बेंजोइक एसिड सिमिलरली हमारे पास एसिटोफिनोन है हमें बेंजोइक एसिड बनाना है केमेनो फोर के ओ एच के साथ हीट करोगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में याद रखना कीटोन में क्या होता है बॉन्ड ब्रेक होता है और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ वाले कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये बना देता है पोटेशियम बेंजोएट एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये भी क्या बना देगा बेंजोइक एसिड बना देगा थर्ड हमें बनाना है ब्रोमो बेनजीन से बेंजोइक एसिड ब्रोमोबेंजीन को हम ना मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे हमारा ग्रिक्नोर रिएजेंट बन जाएगा बेंजीन के साथ एम जी पी आर नेक्स्ट हम सीओ टू लेंगे अब सीओ टू में क्या होगा ये जो कार्बन है इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो

नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की सबसे पहला है फिजिकल स्टेट जो फर्स्ट थ्री एलिफेटिक एसिड होते हैं ये कलरलेस लिक्विड होते हैं लिक्विड की फॉर्म में होते हैं विद पंजेंट स्मेल मतलब बैड स्मेल इनमें होती है हायर एसिड हायर एसिड मतलब नंबर ऑफ कार्बन आपने इंक्रीज किए तो ये वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं ओडरलेस होते हैं मतलब इनमें कोई स्मेल नहीं होता ड्यू टू देयर लो वोलाटिलिटी तो ये लेस वोलाटाइल होते हैं सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन एल्डिहाइड कीटोन इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है वो ना एक दूसरे से क्या करते हैं एसोसिएट करते हैं काफी ज्यादा स्ट्रोंगली करते हैं थ्रू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वेर एस एल्कोहल में भी ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ओ एच बॉन्ड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो ज्यादा पोलर होता है देन ओ एच बॉन्ड इन एल्कोहल ऐसा क्यों होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ऑन ओ एच बॉन्ड अब सपोज हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है आर सी ओ ओ एच तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है एज ए रिजल्ट इस ओ OH एच में पोलैरिटी इंक्रीज होती है ल्कोहल में ये जो आर ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पोलैरिटी को ये डिक्रीज करता है तो यहाँ पे ज्यादा पोलैरिटी होने की वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर होती है और इसमें एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वीकर होती है क्योंकि इसमें लेस पोलैरिटी होती है सो एज ए रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू एल्कोहल ज्यादा होता है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन देपर फेस अगर आप कार्बोक्सलिक एसिड के वेपर्स भी बनाओगे ना तो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होते तो मोस्ट कार्बोक्सलिक एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एज एड डायमर इन द वेपर फेस और इन द ए प्रोटिक सॉल्वेंट ए प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जिसमें कोई प्रोटोन नहीं हो सपोज तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड के तो आपस में ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं एज ए डाइमर ये प्रेजेंट होते हैं तो जब दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं उसे हम डाइमर कहते हैं तो वेपर फेस में और ए प्रोटीक सोल्वेंट में ये डाइमर रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है थर्ड है सॉल्युबिलिटी जो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू फोर कार्बन दे आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर तो जो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है टू चार कार्बन ये डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर में क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन तो जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करोगे याद रखना जो कार्बन का ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है इंटरफेयर करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है तो जो हायर एसिड है वो प्रैक्टिकली क्या होते हैं इनसॉलबल जब आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हो बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो वो जो कार्बन का पार्ट है हाइड्रोफोबिक होता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरफेयर करता है अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करेंगे ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड होता है ये इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में क्योंकि इसका जो बेंजीन रिंग है काफी बड़ा वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सॉल्युबल है लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन ईथर एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड जब ओ OH एच का बॉन्ड ब्रेक होता है उस रिएक्शन की हम बात करेंगे इसमें आता है एसिडिटी क्योंकि ओ एच का बॉन्ड ब्रेक होने से एच प्लस रिलीज होता है तो ये एसिडिटी होती है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दे आर क्वाइट स्ट्रांग एसिड ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव OH तो OH होता, होता है तो इस पर डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसमें रिमूव हो सकता है तो कार्बोक्सलिक एसिड में से एच प्लस रिमूव कर दिया तो आपका कार्बोक्सिलेट आइन बनता है अब ये जो कार्बोक्सलिक एसिड है और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है दोनों क्या कर सकते हैं रेजिनेस कर सकते हैं तो दे आर स्टेबलाइज बायस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ओवरऑल जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो इस पर हम डेल्टा नेगेटिव इस पे डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अब ये जो स्ट्रक्चर है स्टेबलाइज तो हुआ बट इट इज लेस स्टेबलाइज लेस स्टेबलाइज हुआ है बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इनवॉल्व चार्ज सेपरेशन ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इसे हम चार्ज सेपरेशन कहते हैं और इसे जो रेजिडेंस है ये लेस स्टेबलाइज होता है अगर हम कार्बोक्सलेट आइन की बात करें ना तो इसमें क्या होता है रेजुडेंस होता है तो ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है रेजनेस हाइब्रिड की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करें डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है अब जो कार्बोक्सिलेट आयन है इट इज मोर स्टेबलाइज ये ज्यादा स्टेबलाइज होता है इसका रेजनेस एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होते हैं और साथ में इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव करता है और इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज ए रिजल्ट जो इक्विब्रियम है दैट लाई वेरी मच इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है जो कार्बॉक्सलिक एसिड है वो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सलेट आयन में प्लस एच प्लस रिलीज करते हैं सो कार्बॉक्सलिक एसिड आर स्ट्रॉगली एसिडिक और ये क्या कर सकते हैं ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर सकते हैं ए है रिएक्शन विथ मेटल जो कार्बॉक्सलिक एसिड है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के साथ तो वो जब रिएक्ट करते हैं तो ये जो मेटल है जैसे सोडियम है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है हमारा बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सलिक एसिड और सोडियम कार्बोक्सलेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये जो सिमिलर रिएक्शन है ना ये एल्कोहल भी देते हैं नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्कली जो कार्बोक्सलिक एसिड है वो अल्कली के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जैसे NaOH ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं तो अगर आपने लिया आर सी ओ ओ एच एन एच के साथ रिएट किया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर बनता है एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड प्लस एन ए ओ एच हमारा सोडियम एसिटेट प्लस वाटर रिलीज होता है जो सिमिलर रिएक्शन है वो फिनॉल भी शो करते हैं सी है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाय कार्बोनेट कार्बोनेट एंड बाय कार्बोनेट ना वीक बेस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना वीक बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं तो हमने लिया है आर सी ओ एच बाई कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्ट किया हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस प्लस मिलेगा इस रिएक्शन में ना ब्रिस्क है मतलब लिक्विड में से ना बबल्स ऑफ CO2 टू बनते हैं तो उसे कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस नॉट शोन बाय एल्कोहल एंड फिनोल अब एल्कोहल एंड फिनोल ना वीक एसिड होते हैं तो वो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते सो so ये जो रिएक्शन है इट्स इूज टू डिटेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप अगर सी ओ ओओ एच ग्रुप प्रेजेंट है तभी यह रिएक्शन होता है और ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है ऑफ सीओ टू नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्रेसिंग एसिडिक स्ट्रेंथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमने पढ़ा था ये अल्कोहल फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं बट एज कंपेयर टू मिनरल एसिड ना ये कम एसिडिक होते हैं और इनमें भी इक्विब्रियम होता है तो एक्सप्रेसिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारा कार्बॉक्सलेट आयन बनेगा साथ में एच थ्री ओ प्लस इक्विब्रियम लिखेंगे कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अब जो इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट है एक कॉन्स्टेंट होता है और वाटर की कंसेंट्रेशन भी कॉन्स्टेंट होती है तो प्योर वाटर की कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होता है तो इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक और कांस्टेंट मिलेगा के ए तो इस के ए को हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं ये किसके इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ आरसीओओ नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड तो जितना ज्यादा के का वैल्यू होता, होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बट इसमें ना जो वैल्यू है ना वो टेन डेज टू पार आती है तो हम क्या करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को पता करने के लिए ना हम पी के ए वैल्यू यूज करते हैं पी के ए क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए होता है तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए पी के ए होता है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है के ए के क्योंकि हमने यहां पे नेगेटिव लॉग लिया हुआ है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है पी के ए के तो जितना स्मॉलर वैल्यू होता है पी के ए का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ठीक है तो अगर पी के ए का वैल्यू लेस देन वन है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वन टू फाइव मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फाइव टू फिफ्टीन वीक एसिड होता है और ग्रेटर देन फिफ्टीन एक्सट्रीमली वीक एसिड होता है नेक्स्ट है कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल को जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना उसमें से जब आप H+ रिमूव कर दो तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना ये स्टेबलाइज हो सकता है बाय रेजोनेंस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पे मूव करते हैं कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑक्सीजन पे मूव करते हैं ठीक है तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस इक्विलिब्रियम लाई मोर टुवर्ड द राइट क्योंकि जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है राइट right डायरेक्शन पे जाता है और साथ में एच प्लस रिलीज होता है अगर नेक्स्ट हम बात करें ना एल्कोहल की आर ओ एच होता है अगर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो आपका एल्कोक्साइड बनता है अब एल्कोक्साइड में जो आर ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होता तो एल्कोक्साइड आर नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती और ये जो एल्कोक्साइड बनता है ये स्टेबल नहीं होता तो जो रिएक्शन है ना वो राइट right डायरेक्शन में नहीं चाहती तो एल्कोहल्स आर वीकली डिसोसिएटेड तो ये ना कम डिसोसिएट होते हैं सो एज ए रिजल्ट जो एल्कोहल्स हैं वो वीकर एसिड हैं देन कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है ज्यादा स्टेबल क्यों होता है बिकॉज ऑफ टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच द नेगेटिव चार्ज इज एट द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम तो कार्बोक्सिलेट ऑक्सलेट आइन में ना दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजली क्या कर सकते हैं डीलोकलाइज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो हमारा मोर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है वेरस फिनॉल में से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करो फिनॉक्साइड आइन बनते हैं फिनॉक्साइड आइन के बहुत सारे क्या बनते हैं रचना स्ट्रक्चर बनते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोक्सलेट आइन स्टिल फिनॉक्साइड आइन लेस स्टेबल होता है लेस स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वन ऑक्सीजन आइटम एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इसमें कार्बन बहुत सारे हैं बट ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है यहाँ पे दो ऑक्सीजन थे सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि जो कार्बन है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स मूव करते तो हैं बट उतना अच्छा वहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं होता सो एज ए रिजल्ट क्या होता है इसमें लेस इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होती है तो कार्बोक्सिलेट आयन में दो ऑक्सीजन होने की वजह से डी ज्यादा इफेक्टिव है और इसमें एक ऑक्सीजन होने की वजह से जो डीलोकलाइजेशन है लेस इफेक्टिव है तो कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होते हैं फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल होते हैं ज्यादा स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ज्यादा एच प्लस रिलीज होगा सो so, एज ए रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्सिटेंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सब्सिटेंट अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या असर आएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा

वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना ना इसे इलेक्ट्रॉन देंगे और एज ए रिजल्ट ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा याद रखना जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो चाहता है कि उसका नेगेटिव चार्ज कम हो बट ये क्या कर रहा है इसे नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो इसे डिस्टेबलाइज कर रहा है कॉन्जुकेट बेस को बाय कंसट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज तो कंसेंट्रेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है डिस्टेबलाइज मतलब लेस स्टेबल हो रहा है और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का एलकाइल ग्रुप नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एसिडिटी ग्रुप तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी पावर वो कितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकते हैं जितना वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा पहले पी pH है फिनाइल देन आयोडीन ब्रोमिन क्लोरिन फ्लोरिन सी एन एनओ टू सी एफ थ्री तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लोगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है इंक्रीज होता है नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ वेरियस सब्सिटूंट्स पहला है नंबर ऑफ सब्सिट्यूंट्स यहाँ पे एक क्लोरीन है यहाँ पे दो क्लोरीन है यहाँ पे तीन क्लोरीन है और क्लोरीन क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो तीन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे और जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड है नेचर ऑफ पे आयोडीन क्लोरीन सब्सिट्य है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है कार्बोक्सलेट आयन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का है थर्ड है पोजिशन ऑफ द सब्सिट्यूंट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना क्लोरीन इस कार्बन के साथ है अल्फा कार्बन के साथ और यहाँ पे क्लोरीन बीटा कार्बन के साथ जितना पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम प्रेजेंट है और ग्रुप प्रेजेंट है उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है पे अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट था तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस कार्बोक्सिलेट आयन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज ए रिजल्ट ये ज्यादा क्या है एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस फोर्थ है डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ फिनाइल और विनाइल ग्रुप टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने फिनाइल और विनाइल ग्रुप को अटैच किया कार्बोक्सिलिक एसिड से तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज होती है कॉन्ट्रेरी टू डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस अगर हम रेजोनेंस से देखें तो हमें लगता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होना चाहिए बट एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है अगर सपोज कार्बोक्सिल कार्बन जो है ये कार्बोक्सिल कार्बन है इसके साथ विनाइल ग्रुप अटैच है अगर फिनाइल ग्रुप भी अटैच करो तो सेम चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं ठीक है रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं डबल बॉन्ड आता है ये इलेक्ट्रॉन यह यहाँ पे मूव करते हैं तो दोनों के बीच में रेसनेंस हो सकता है और हमें लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ जा रहे हैं तो ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप काम कर रहा है एस्टिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए बट एक्चुअल में अगर आपके पास विनाइल या फिनाइल ग्रुप अटैच है एस्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है ऐसा इसलिए होता है द कार्बन टू विच कार्बोक्सिल कार्बन इज अटैच इस एसपी टू हाइब्रिडाइज ये जो कार्बन होता है ना एसपी टू हाइब्रिडाइज होता है रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन तो देता है बट जो sp2 पी कार्बन है उसमें s करेक्टर ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ना वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो खींचता है तो ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करता है इंक्रीज करता है अगर कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ फिनाइल और विनाइल ग्रुप अटैच है नेक्स्ट हमारे पास तीन कंपाउंड है हमने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पहला है फोर एसिड यहाँ पे ओ सी एस टी ग्रुप है, है इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग तो एज रिजल्ट जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है तो पी के ए इसका सबसे ज्यादा है 4.46 नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड ये क्या होता है एसिडिक होता है पी के फोर पॉइंट वन नाइन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है फोर नाइट्रो बेंजोइक एसिड इन तीनों में क्योंकि एन टू ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है कार्बोक्सलेट आयन को स्टेबल करता है इसका पी के थ्री है तो जितना कम पी के का वैल्यू है उतना ज्यादा एस्टिक स्ट्रेंथ होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एस्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करते हैं नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी ओ एच बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है पहला है फॉर्मेशन ऑफ एन हाइड्रेट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब उसे हम हीट करें मिनरल एसिड जैसे एच और P2O5 के साथ अगर आप हीट करो तो आपको करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइट मिल जाता है जैसे इथेनॉइक एसिड है सी एच थ्री सी ओ ओ एच दो मॉलिक्यूल्स हैं हमने एसिड में हीट किया और आप P2O5 के साथ हीट कर सकते हो तो यहाँ से क्या होता है वाटर रिलीज हो जाता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है हमारा इथेनॉइक एनहाइड्राइट बन जाएगा सेकेंड है एस्टिफिकेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी हम एस्टिफिकेशन कर सकते हैं अल्कोहल और फिनोल के साथ कैटलिस्ट लेते हैं हम मिनरल एसिड जैसे कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर और आप एच सी एल गैस ले सकते हो तो हमारे पास है आर सी ओ ओ एच कार्बोक्सलिक एसिड है यहाँ पे आर डैश ओ एच है एल्कोहल है एच प्लस लिया एसिड लिया हमने तो क्या होता है इसमें ना आर सी ओ और यहाँ से आर डैश ओ कम्बाइन कर जाता है वाटर रिलीज होता है हमारा बनता है आर सी ओ ओ आर डैश तो इसमें हमारा एस्टर बनता है नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एस्टिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेप वन है इट इन्वॉल्व प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिसएक्टिवेट द कार्बोनाइल ग्रुप टूवर्ड न्यूक्लोफिलिक एडिशन ऑफ द एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड है हम एसिड के प्रेजेंस में लेते हैं H प्लस मिनरल एसिड तो जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा यहाँ पे ओ एच पॉजिटिव बन जाएगा जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए ना ये इलेक्ट्रॉन यह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे ना अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो कार्बन है ना इस पे क्या करेगा जो एल्हल है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो हमारे पास आर के साथ कार्बन ओ एच ओ एच आ गया और ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आर डैश एच तो हमारा टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है स्टेप टू में क्या होता है प्रोटॉन ट्रांसफर होता है अकर इन द दाहीड्रल इंटरमीडिएट एंड इट कन्वर्ट हाइड्रोक्सल टू द द्लस तो ये जो हमारा टेट्राहीडर इंटरमीडिएट बना था ना इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है H प्लस रिलीज कर देता है अब ये जो हाइड्रोजन है ना H प्लस यहाँ से रिमूव होकर ना यहां पे शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पे तो इसे प्रोटॉन ट्रांसफर कहते हैं हाइड्रोजन से यहां चला गया, हमारा प्लस OH2 बन गया जैसे प्लस ओ एच टू बन गया ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेके ना वाटर रिमूव हो जाता है ये यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं ठीक है ऐसे रिजल्ट क्या होता है हमारा प्रोटोनेटेड एस्टर बनता है जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है पॉजिटिव H, यहां पे 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 ठीक है 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 अब यहां पे positive charge आ गया तो तो क्या क्या होता है, ये electron यहां पे shift होते हैं हो हो जाता है, remove हो जाता है, हमें मिलता है, तो अगर आप last step में देखोगे यहां पे क्या हो रहा है प्रोटॉन ट्रांसफर से प्लस ओ एस टू बन रहा था ठीक है प्लस ओ एस टू में क्या होगा इलेक्ट्रॉन लेके वाटर रिलीज हो जाएगा और इवेंचुअली क्या होगा एच प्लस जो था वो रिलीज हो जाएगा तो जो एच प्लस आपने स्टार्टिंग में लिया था ना और वो वापस आपको फाइनल स्टेप में H+ प्लस मिल गया तो ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है और आपका जो प्रोटोनेटेड एस्टर है उससे आपको एस्टर मिलता है थर्ड है रिएक्शन विद PCl3, थ्री पी सी एल फाइव एसिड है वो रिएक्ट कर सकते हैं PCl3, थ्री एंड टू के साथ और ये बनाते हैं एसिड क्लोराइड विच इज आर सी एल और ये रिएक्शन ना सिमिलर होती है जो हमने पढ़ा था एल्कोहल में अगर आप एल्कोहल को रिएक्ट करो ना पीसीएल थ्री पीसीएल तो उसमें भी ओ OH एच जो है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से और आपका बनता है एलकाइल क्लोराइड और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो ओ OH एच है वो रिप्लेस हो जाता है आपका एसिड क्लोराइड बनता है हमने लिया है आर सी ओ एच पीसी प्रेजेंस में हमारा आर सी ओ सी एल पीओ सी एल थ्री एस सी एल बनेगा हम ले सकते हैं पीसीएल थ्री हमारा आर सी ओ सी एल एस थ्री पी ओ थ्री बनेगा और अगर आप एस ओ सी एल टू लेते होनाइल क्लोराइड तो हमारा आर सी ओ सी एल एस ओ टू प्लस एस सी एल बनता है अगर तीनों मेथड की बात की जाए प्रेफर्ड मेथड हमारा थाइल क्लोराइड होता है अगर आप इसे यूज करोगे ये प्रेफर्ड होता है क्योंकि इसमें जो दो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं गैसेज होते हैं वो ईजली क्या कर सकते हैं एस्केप कर सकते हैं मिक्सचर से एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है जो प्योरीफिकेशन है प्रोडक्ट का वो ईजी हो जाता है क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट है वो ईजली आप रिमूव कर सकते हो फोर्थ हम बात करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो रिएक्ट कर सकता है अमोनिया के साथ और ये बनाता है अमोनियम सॉल्ट जो अमोनियम सॉल्ट बनता है उसको अगर आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे तो वाटर रिलीज हो जाता है और हमारा अमाइड बनता है जैसे एसिटिक एसिड है सी एच थ्री सी ओ ओओ एच एन एच थ्री के साथ हीट किया तो हमारा बनता है अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जिसे हम अमोनियम एसिडेट कहते हैं सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव एन एच फोर प्लस इसे फर्दर आपने हीट किया तो इसमें वाटर रिलीज हो जाता है हमारा एस्टामाइड बनता है सी एच थ्री सी ओ एन एच टू अगर हमने बेंजोइक एसिड लिया होता एनएस थ्री के साथ रिएक्ट करते तो हमारा अमोनियम बेंजोएट बनता और अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड सी ओ ओ ओ ओ नेगेटिव एनएच फोर प्लस हीट करेंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा हमारा बेंजामाइड बनेगा बेंजीन के साथ सी ओ एन एच टू नेक्स्ट है थैलिक एसिड थैलिक एसिड में ना दो सी ओ ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन पे अमोनिया के साथ अगर हम इसे हीट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल यहां पे रिएट करेगा एक मॉलिक्यूल यहां पे दोनों तरफ सी ओ ओ नेगेटिव एन एच फोर प्लस सी ओ ओ ओ नेगेटिव एनएच फोर प्लस इसे हम बोलते हैं अमोनियम थैलेट आप हीट करोगे तो वाटर के दो मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एक यहां से एक यहां से दोनों जगह सी ओ एन एच टू बन जाएगा इसे हम थैलामाइड कहते हैं ठीक है अगर थैलामाइड को आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो ना तो फर्दर ये क्या करता है अमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज करता है तो जो ये दो कार्बोन ग्रुप है सी डी ड इसके साथ ना जुड़ जाता है और इस कंपाउंड को हम थैलीमाइड कहते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग सीओओ एच ग्रुप सबसे पहले रिडक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिड्यूस हो जाते हैं प्राइमरी एल्कोहल में और हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डायबोरेन डायबोरेन भी यूज करते हैं अब ये जो डायबोरेन है ना नॉट इजी रिड्यूस एस्टर को रिड्यूस नहीं करता बट को ये रिड्यूस कर सकता है जो है ना ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये रिड्यूस नहीं करता कार्बोक्सिल ग्रुप को तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे हमें प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो हम दो रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं पहले लिथियम एलमिनियम हाइड्रेट इन पेंस ऑफ ईथर और आप डाइबोर ले सकते हो उसके बाद अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्राइमरी एल्कोहल मिलता है रिएक्शन है है में जो कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें से सीओ टू लूज हो जाता है और ये हाइड्रोकार्बन बनाता है इसके लिए ना हम सबसे पहले सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड लेते हैं उसे हम हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ सोडा लाइम क्या होता है एनएच एंड सी ए थ्री इज टू वन रेशियो में ये प्रेजेंट होता है इसे हम सोडा लाइम कहते हैं जब आपने क्या लिया है सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड लिया है एन ए के साथ आप हीट कर रहे हो दोनों की रेशियो कितनी होनी चाहिए थ्री इज टू वन जब आप हीट करोगे हमें आर एच मिलेगा ये हाइड्रोकार्बन होता है अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ने पे ये हाइड्रोकार्बन बनाता है साथ में एन रिलीज होता है तो इसमें से जो सीओ है वो क्या हो गया है रिमूव हो गया है इस रिएक्शन में तो इसे हम डी रिएक्शन भी कहते हैं नेक्स्ट है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस इसमें हम अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं अल्कली मेटल मतलब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं इसमें डी होता है CO2 रिलीज होता है और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन तो जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके एक्वस सोल्यूशन के डी होता है ठीक है जो हाइड्रोकार्बन बनता है उसमें ना ट्वाइस द कार्बन एटम होते हैं प्रेजेंट इन द दल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड जितने ग्रुप में कार्बन है उससे ट्वाइस कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन में जो बनता है हमारे पास है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सलिकोल में ये आर सी ओ नेगेटिव जाता है दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कंबाइन करेंगे तो आर आर कंबाइन हो जाएगा सीओ टू रिलीज हो जाएगा तभी हम इसे डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं प्लस टू इलेक्ट्रॉन और कैथोड में ना वाटर के मॉलिक्यूल जाते हैं ये रिडक्शन करता है एच टू प्लस रिलीज होता है तो इसमें सीओ टू रिलीज हो रहा है तभी हम इसे डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में ट्वाइस द कार्बन एटम प्रेजेंट है एज कंपेयर टू एलकाइन ग्रुप नेक्स्ट है सब्सिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट पहला है हैलोजिनेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम ट्रीट करते हैं रिएक्ट करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस जो अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है रिप्लेस हो जाता है बाय क्लोरीन और ब्रोमीन, और हमें मिलता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने क्या लिया एक्स टू एक्स टू क्या हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन रेड फॉस्फोरस उसके बाद हाइड्रोलिस किया तो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से तो हमारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इस रिएक्शन को हम हेल वोल्ड हार्स की रिएक्शन कहते हैं एच वी जेड रिएक्शन भी कहते हैं सेकेंड है रिंग सब्सिट्यूशन जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है देखेंड अंडर गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन दे सकते हैं जैसे बेंजोइक एसिड अगर बेंजोइक एसिड की बात करें बेंजीन के साथ सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है अब ये ना माइनस आर इफेक्ट शो करता है जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे मूव करते हैं बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव करता है तो बेंजीन रिंग में ना पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करता है मूव करता because of resonance. तो तो है result, है बिकॉज ऑफ तो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज रहता एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है तो वो मेटा पोजिशन पे अटैक करता है तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इट इज डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाता है एंड मेटा डायरेक्टिंग होता है अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है आपने नाइट्रेशन किया नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया है कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर कंसेंट्रेटेड एच एनओ थ्री तो एनओ टू मेटापोजिशन पर जुड़ जाता है हमारा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनता है सिमिलरली ब्रोमीन इन पेंसो एफ ई बी आर थ्री तो ब्रोमीन जो है वो मेटा मेटापोजिशन पर जुड़ जाता है हमारा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनता है अगर हम बात करें ना बेंजोइक एसिड में ना फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम कैटलिस्ट लेते हैं ए एल सी एल थ्री ये लुइस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है तो ये जो ए एल सी एल थ्री है ना ये क्या करता है बॉन्ड बना लेता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है अगर कैटलिस्ट ही बॉन्ड बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एज ए रिजल्ट क्या होता है जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो नहीं होता है नेक्स्ट है इंटेक्स क्वेश्चन ट्वेल्व पॉइंट एट विच एसिड ऑफ द ईच पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी stronger? हमें बताना कौन सा एसिड स्ट्रोंगर है पहला है सी एच थ्री सी ओ ओ एच सी एच टू एफ सी ओ ओ एच यहाँ पे फ्लोरिन है तो जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ना फ्लोरिन क्या करेगा उसको अपनी तरफ खींचेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को उसको स्टेबलाइज़ करेगा एज ए रिजल्ट ये स्ट्रॉगर एसिड होगा क्योंकि फ्लोरिन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे सी एच टू एफ सी ओ एच सी ओ एच फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है तो का, कार्बोक्सिलेट आयन का ज्यादा स्टेबलाइज होगा और ये ज्यादा स्ट्रॉग एसिड होगा नेक्स्ट अगर आप देखोगे सी एच टू एफ सी एच टू सी एच टू सी ओ एच सी सी एच एफ सी एच टू सी ओ एच अगर यहाँ देखोगे फ्लोरिन ना यहाँ पे जुड़ा हुआ है फ्लोरिन इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो ये नियरेस्ट है टू द सी ओ एच ग्रुप जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सलेट एन को और ये जो होगा ज़्यादा एसिडिक होगा लास्ट है एफ थ्री सी बेनजीन सी ओ एच सी एस थ्री बेनजीन सी ओ एच तो यहाँ पे फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगे और यहाँ पे जो कार्बॉक्सलेट आयन बनेगा उसे ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा बिकॉज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पहला है मिथनॉइक एसिड एच सी ओ ओ एच जो मिथनॉइक एसिड है रबर टेक्सटाइल डाइंग लेदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है जो इथनॉइक एसिड है सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये एस ए सॉलवेंट यूज होता है विनेगर में ये यूज होता है हेक्सेन डाईक एसिड जो है ये मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन सिक्स सिक्स में यूज़ होता है एस्टर और बेंजोइक एसिड जो एस्टर है उसमें फ्रेगनेंस आती है तो ये परफ्यूमरी में मतलब परफ्यूम्स बनाने में यूज होता है सोडियम बेंजोएट जो होता है ये फूड प्रेजर्वेटिव होता है और जो हायर फैटी एसिड होते हैं ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज होते हैं आई होप आपको इस चैप्टर का वन शॉट समझ आया हो तो सिमिलर वन शॉट मैंने बाकी चैप्टर्स कई बनाए हैं पी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में प्ले है सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय